जय हिंद साथियों, मैं शशिधर दुबे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी मित्रों का, सुधी पाठकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का, परीक्षार्थियों का, सभी का हृदय से आभार एवं अभिनंदन प्रकट करने के लिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं की ही एक श्रृंखला सी शुरू हो गई है, ठीक है। अभी वनडे स्तर से लेकर के सिविल स्तर तक की सारी परीक्षाओं को आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से हर एक महीने डेढ़ महीने के अंतराल पर परीक्षाओं का एक क्रमवार तरीके से आपको प्रस्तुतियां मिलने वाली हैं। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहां पर घटनाचक्र परिवार की तरफ से आपको एक अधुनातन प्रस्तुति बराबर की जाती रही है और आज भी उसी चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं वार्षिक करंट अफेयर्स दृष्टि, जो बहुप्रतीक्षित होता है, बार बार आप इसकी डिमांड करते रहते हैं कि ये हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो भैया देखिए, यहां पर आपको ये मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है और ये निश्चित रूप से आप जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे इसी के अनंतर आपको पुस्तक भी बुक शॉप पर मिल जाएगी आप ही के शहर में। तो यहां पर आप देख सकते हैं दृष्टि 2024 ये है, समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन है, यानी पूरे वर्ष भर की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो परीक्षोपयोगी हैं उनका एक बहुत ही बेहतरीन संकलन आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर इन्हीं सब कड़ियों को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको लेकर के चलूंगा। यहां पर देख रहे हैं खेल परिदृश्य, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के बारे में यहां पर वीडियोस बन चुकी हैं, आपको मिल भी गया होगा और उसी कड़ियों में यह एक और कड़ी जुड़ती है खेल परिदृश्य के रूप में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, बराबर इससे प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि खेल परिदृश्य के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य समसामयिक घटना चक्र ने समाहित कर रखा है आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना में। तो आइए देखते हैं, यहां पर सबसे पहले जब आप इस पुस्तक में जाते हैं तो इसके खेल परिदृश्य का जो प्रथम पृष्ठ होगा वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रमुख आयोजनों में सबसे पहले आपको मिलता है एक चार्ट, और वह चार्ट किससे संबंधित है, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2023 में जो जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, यानी चारों ही प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, अब उनके क्या विजेता और उपविजेता रहे हैं, इनसे जुड़े प्रश्न भी परीक्षा में आते रहे हैं। तो आइए हम लोग इस पर एक दृष्टि डालते हैं, विहंगम दृष्टि होगी और ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो विजेता हैं, यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर आप देखिएगा चार्ट के प्रथम हिस्से में ही आप पाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपने देखा है कि नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये विजेता रहे हैं 2023 के लिए। और यहीं पर 2023 में जो फ्रेंच ओपन हुआ उसमें भी नोवाक जोकोविच सर्बिया के ही विजेता रहे हैं। यहां पर विंबलडन 2023 के लिए कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये विजेता रहे हैं। और फिर से यूएस ओपन 2023 में भी कौन विजेता रहे हैं, नोवाक जोकोविच। तो आप देखते हैं कि ये बिल्कुल चमत्कारी खिलाड़ी, तीन श्रृंखलाओं में लगातार इन्होंने विजय हासिल की है। केवल इनसे छूट गया, तो कौन सा छूट गया, विंबलडन का टेनिस इनसे जीतने से रह गए और उसमें विजेता हो गए कार्लोस अल्कराज, और ये क्या हो गए यहां पर उपविजेता के रूप में, ठीक है ना। यहीं पर इनके उपविजेताओं के बारे में भी देख सकते हैं आप, स्टेफानोस सित्सिपास, ये यूनान के हैं, ठीक है। कैस्पर रूड नॉर्वे से हैं, फ्रेंच ओपन के उपविजेता के रूप में। यहीं पर यूएस ओपन में आप देख सकते हैं डैनिल मेदवेदेव रूस के हैं, ये उपविजेता के रूप में हैं। इतना ही नहीं, आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहां पर महिला एकल, यानी ये पुरुष एकल की बात थी, महिला एकल के संदर्भ में अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस में, तो आप पाएंगे कि एरिना सबालेंका बेलारूस से विजेता रही हैं इस बार 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में। यहीं पर फ्रेंच ओपन में ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड की महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने विजय हासिल की। यहीं पर मार्केटा वेंद्रो उसोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, जिन्होंने विंबलडन 2023 में अपने झंडे गाड़े। और
वहीं पर कोको गॉफ जो कि अमेरिका की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, इन्होंने यूएस ओपन 2023 में विजय प्राप्त की। इनके उप विजेताओं को भी आप यहां पर देख सकते हैं, वो आपको पुस्तक में मिल जाते हैं। ठीक है, यहीं पर आप देखिएगा पुरुष युगल विजेता, पुरुष युगल विजेता के रूप में आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से लेकर के यूएस ओपन तक, यानी कि अगर आप भारत के मानचित्र पर भी जाकर के देखते हैं तो सबसे आप पूरब की दिशा में ऑस्ट्रेलिया पाएंगे और पूरब से पश्चिम जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको यहां पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस मिलता है मानचित्र पर भी। फ्रांस से कुछ आगे बढ़ेंगे तो यूके यानी कि लंदन, जिसके विंबलडन उसका ओपन टेनिस है, ये प्राप्त होता है, और इसी के आगे बढ़ते हैं तो आप यूएस ओपन को पाते यानी अमेरिका का। तो मैपिंग के अकॉर्डिंग ही ये चीजें होती हैं और ये वर्ष भर में ये चारों प्रतियोगिताएं आयोजित हो जाती हैं। तो उनके विजेताओं उपविजेताओं से प्रश्न आते रहे हैं जिनकी चर्चा पर चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। यहां पर पुरुष युगल, युगल का मतलब हो कि दो पुरुष मिल करके जिसको खेलते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में रिंकी हिजिकाता एवं जेसन कुबलर दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजय हासिल की है। यहीं पर इवान डोडिग क्रोएशिया और ऑस्टिन क्रोजिसेफ अमेरिका से हैं, इन्होंने जीत हासिल की है कहां पर, फ्रेंच ओपन टेनिस में। ठीक है, और यहीं पर हम देख सकते हैं वेस्ले कुलहोफ नीदरलैंड और नील स्कूपस्की यूके के खिलाड़ी हैं, ये युगल जोड़ी है जिन्होंने विजय हासिल की है। किसमें हासिल की है, विंबलडन में। यहीं पर यूएस ओपन में आप देख सकते हैं राजीव राम अमेरिका एवं जो सैलिस बरी यूके के हैं खिलाड़ी, इन्होंने क्या किया है, यूएस ओपन 2023 में युगल पुरुष विजेता के खिलाड़ी रहे हैं और विजेता हैं। तो यहीं पर देखिए उपविजेताओं के नाम भी आपको इसी ग्राफ में मिल जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि आप युगल उपविजेताओं में पाते हैं रोहन बोपन्ना को। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं रोहन बोपन्ना भारत के खिलाड़ी हैं और इन्होंने मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के साथ मिल करके ये इन्होंने यूएस ओपन 2023 में उपविजेता की भूमिका में रहे हैं। तो चूंकि ये भारत से जुड़े रहे हैं इसलिए रोहन बोपन्ना उपविजेता रहे हैं पुरुष युगल में कहां के, यूएस ओपन 2023 के। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षा दृष्टि से। ठीक है, यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि महिला युगल, महिला युगल के संदर्भ में भी आप देखिए यहां पर पाते हैं बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों चेक गणराज्य के हैं, विजेता युगल जोड़ी रही है महिला की कहां की, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के लिए। ठीक है, यहीं पर हम देख सकते हैं सी सू वेई चीनी ताइपे से हैं और वांग जिन्यू चीन से हैं, ये दोनों भी उप विजेता रहे हैं, विजेता की भूमिका में रहे हैं कहां, फ्रेंच ओपन 2023 के लिए। यहीं पर हम देख सकते हैं विंबलडन ओपन 2023 की महिला युगल जोड़ी कौन सी विजेता रही है, सी सू वेई, यानी अभी हमने देखा था यानी सी सू वेई यहां फ्रेंच और विंबलडन दोनों में लगातार विजेता रही है चीनी ताइपे से। लेकिन इनकी जो दूसरी महिला युगल जोड़ी रही है बारबोरा स्ट्राइकोवा चेक गणराज्य से, तो इनके साथ मिलकर के इन्होंने एक तरीके से विंबलडन ओपन टेनिस को जीता हुआ है। ठीक है ना, यहीं पर हम देख सकते हैं गैब्रिएला डाब्रोस्की कनाडा एवं एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड से हैं, इन्होंने भी क्या किया है, महिला खिलाड़ी हैं और उन्होंने यूएस ओपन 2023 की महिला युगल खिलाड़ी का खिताब जीता है। ठीक है, यहीं पर हम देख सकते हैं मिश्रित युगल विजेता उपविजेता की भी संदर्भ हमको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। मिश्रित युगल का मतलब एक पुरुष एक महिला के रूप में यह खेल होता है। तो यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की अगर हम बात करें तो यहां पर लुइसा स्टेफनी एवं राफेल माटोस, ये दोनों ही ब्राजील के खिलाड़ी हैं और एक पुरुष और एक महिला के रूप में है और इन्होंने मिश्रित युगल 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन विजय हासिल किया है। तो ये मिश्रित युगल हो गया। यहीं पर हम देख सकते हैं कि जापान के मियू कातो और जर्मनी के टिम पुट्स, इन दोनों ने मिल करके मिश्रित युगल जोड़ी जो कि विजय हासिल की है कहां, फ्रेंच ओपन 2023 में। ठीक है, यहीं पर विंबलडन ओपन 2023 का मिश्रित युगल जोड़ी जो विजेता रहा है मैट पाविक क्रोएशिया से और ल्यूडमाइला किचेनोवा यूक्रेन से, तो इन दोनों ने मिलकर के विजय प्राप्त की है। यहीं पर हम देख सकते हैं एना डेलिनिना कजाकिस्तान
एवं हैरी हेलिओवरा फिनलैंड से इनकी मिश्रित युगल जोड़ी ने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है। इनके उपविजेताओं की भी सूची आपको इसी पुस्तक के दूसरे नीचे इनके मिल जाती है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। अब देखिए यहां पर जो भी टेनिस के खेल है उससे जुड़े हुए इस वर्ष की जो ये प्रतियोगिता हुई उसके कुछ मुख्य बिंदु भी हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसी संभावना के साथ हम इन तथ्यों को भी थोड़ा देख सकते हैं। यहां पर पहला तथ्य है कि नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया, ये एक तथ्य हो जाता है फ्रेंच ओपन 2023 का। यहीं पर हम देख सकते हैं 36 वर्ष 20 दिन की अवस्था में फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले वह सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर के नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2023 जीतने वाले सबसे सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हैं, यही एक मुख्य विषय बन जाता है, ठीक है। यहीं पर हम देख सकते हैं विंबलडन 2023 के भी मुख्य तथ्य यहां पर परोसे गए हैं पुस्तक में बड़े ही सलीके के साथ। तो पहला तथ्य क्या कहता है कि कार्लोस अल्कराज ने अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब तथा समग्र रूप से दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है, ये प्रमुख तथ्य है। यहीं पर ओपन युग में वह राफेल नडाल के बाद विंबलडन जीतने वाले स्पेन के दूसरे खिलाड़ी बन जाते हैं, तो यह भी प्रमुख तथ्य हो जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से। यहीं पर तीसरा बिंदु क्या कहता है कि मार्केटा वोंद्रो उसोवा ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। यहीं पर इस अगला बिंदु क्या है, इसके साथ ही वह ओपन में प्रतिष्ठित वीनस रोजवाटर डिस्क जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर एक अंतिम बिंदु भी आपको विंबलडन 2023 का मिल जाता है। वीनस रोजवाटर डिश प्रतिवर्ष विंबलडन की महिला एकल स्पर्धा जीतने वाली खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य रहे विंबलडन 2023 को लेकर के। यहीं पर हम देख सकते हैं यूएस ओपन 2023 के भी कुछ मुख्य बिंदु हैं जो संभावित परीक्षा प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए। तो यहां पर पहला बिंदु क्या कहता है, यह जोकोविच का चौथा यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब था, ठीक है, ये एक मुख्य बिंदु था, यानी चौथा ओपन खिताब था। यहीं पर हम देख सकते हैं उन्होंने मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया के 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब पुरुष या महिला टेनिस जीतने के सार्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। यहीं पर अगला बिंदु क्या कहता है कि ओपन युग में जोकोविच यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हैं 36 वर्ष 20 दिन, तो ये भी आपने देखा भी है। यहीं पर हम देख सकते हैं 19 वर्षीय कोको गाफ ने पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है और वे 19 वर्ष के हैं, इसीलिए यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाजुला करके अब देखिए यहां पर आपको अगला शीर्षक क्या मिलता है, वृहद आयोजन, यानी ग्रैंड स्लैम के बाद अब हम आ जाते हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में। तो भैया जरा इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके ताकि फैक्ट आपको दिख सके, चार्ट में तो बड़े बड़ा चार्ट था इसलिए उसको करके दिखाना संभव नहीं था बड़ा। अब यहां पर हम देख सकते हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 से जुड़े क्या प्रमुख तथ्य हैं जो परीक्षा प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का भव्य आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य हुआ, ठीक है। तो यहां पर 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत ने उसकी मेजबानी की और यह क्या था, 13वां संस्करण था, ठीक है, एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप का, ठीक है ना। यहीं पर हम देख सकते हैं अगला बिंदु है कि यह चौथा अवसर था जब भारत ने आईसीसी पुरुष यानी ओडीआई, ठीक है, विश्व कप की मेजबानी की है। तो चौथी बार मेजबानी की है, लेकिन चौथी बार पूर्णतया मेजबानी की है, इसके पहले भी जब उन्होंने 3 बार मेजबानी की है तो आंशिक रूप से की है, कई और राष्ट्रों ने मिल करके इस पूरे खेल का आयोजन किया था। तो यहीं पर हम देख सकते हैं हमें अगला बिंदु भी यहीं पर देखने को मिल जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं अगला बिंदु हमें क्या मिलता है, यह पहला अवसर है जब इस विश्व कप के सभी मैचों का आयोजन भारत में किया गया, यह बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। यहीं पर देख सकते हैं आईसीसी द्वारा इस विश्व कप के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की सहायता से दो शुभंकरों, हाँ शुभंकरों से जुड़े प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते रहे, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो चीजें बताई गई हैं
यहां पर हम देख भी सकते हैं कि आईसीसी द्वारा इस विश्व कप के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की सहायता से दो शुभंकरों यानी कि ब्लेज और टोंक को चुना गया। ब्लेज और टोंक ये दो शुभंकर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है प्रश्न दृष्टि से आपकी परीक्षाओं में। अब यहां पर देखिए अगला बिंदु क्या कहते हैं, आधिकारिक गीत यानी कि जो ऑफिशियल एंथम था वह क्या था, उसके बोल क्या थे। दिल जश्न बोले, ठीक है, दिल जश्न बोले ये क्या था, ऑफिशियल एंथम था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का। यहीं पर आप देख सकते हैं वैश्विक दूत या ग्लोबल एंबेसडर किसे चुना गया था, सचिन तेंदुलकर को चुना गया था। तो ये आप जो देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्रश्न दृष्टि भी है आपकी परीक्षाओं को लेकर के। यहीं पर हम देख सकते हैं अगला बिंदु भी आपको दिख जाएगा यहां पर, इस विश्व कप में 10 टीमें, अब कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, 10 टीमों ने भाग लिया था जिसमें से कि हम पाते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर याद करने की दृष्टि से देखिए तो भारत और उसके पड़ोसी, ठीक है ना। अब देखिए भारत, ठीक है ना, भारत के ही बॉर्डर से सटा हुआ पाकिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान भी सीमा बनाता है, यहीं पर देख सकते हैं बांग्लादेश भी है और सागर की सीमा से जुड़ा हुआ श्रीलंका भी है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके 1, 2, 3, 4, 5 टीमें तो यही हो गई। इसके बाद श्रीलंका के और भी दक्षिण चले जाएंगे, दक्षिण और पूरब चले जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, बड़ी क्रिकेट खिलाड़ी टीम रही है, और नीदरलैंड, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं नीदरलैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके, और यहां पर इंग्लैंड, ठीक। तो ये हो गई पूरी की पूरी 10 टीमें जिन्होंने इस विश्व कप में भाग लिया। यहीं पर हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। ये थोड़ा सा सही नहीं है पर खेल दृष्टि से देखें तो ठीक है, चलिए हो गया, आगे हमारा ही नंबर आएगा। और यहीं पर देख सकते हैं रिकॉर्ड 6वीं बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब भी अपने नाम किया, ठीक है ना। तो 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने ये विश्व कप का खिताब अपने नाम किया, ये भी परीक्षा प्रश्न बन सकता है। यहीं पर हम देख सकते हैं ट्रेविस हेड एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप के एक ही संस्करण में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में, यहां पर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले 4थे खिलाड़ी बन गए हैं। यानी 3 खिलाड़ी इनसे पहले भी ये कारनामा कर चुके हैं। अब क्या नाम है इनका, ट्रेविस हेड। इनका क्या नाम है, ट्रेविस हेड। क्या है इनकी उपलब्धि कि इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप के एक ही संस्करण में सेमीफाइनल और फाइनल लगातार दोनों ही मुकाबलों में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले अब तक के 4थे खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर इस पृष्ठ के सेकंड हाफ में अगर आते हैं तो आप पाएंगे इसके सेकंड हाफ में ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए इसी पुस्तक के सेकंड हाफ में भी कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को ही लेकर के न्यूजीलैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अपना 50वां शतक पूरा करके नया कीर्तिमान बनाया। तो अब तक का सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि विराट कोहली ने अपना 50वां शतक भी इसी वर्ल्ड कप में जड़ा, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और यहीं पर हम देख सकते हैं लीग चरण के मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने वर्चस्व कायम करते हुए श्रीलंका को मात्र 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया। तो यह भी बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 55 रनों पर ही आउट नहीं किया बल्कि इस मुकाबले को भारत ने 302 रनों से जीत भी लिया, 302 रनों से जीता भी है, ठीक है, यानी 302 रनों से जीता है और 55 रनों पर उनकी पूरी टीम को समेट दिया। और क्रिकेट विश्व कप में रनों के संदर्भ में यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी अब तक की, ठीक है। तो यह भी एक तथ्य बन गया। अब यहीं पर हम देख सकते हैं अगला बिंदु हमें क्या मिल जाता है,
अगला बिंदु हम देख सकते हैं कि श्रीलंकाई हरफन मौला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने लीग चरण में बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जोड़ लिया, ठीक है। और वह अनचाहा रिकॉर्ड अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट एक दिवसीय हो या T20 हो में वह टाइम्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यह भी एक टर्म है क्रिकेट का, टाइम्ड आउट होना, तो उसमें किसका नाम आ जाता है, श्रीलंका के खिलाड़ी क्या नाम है, एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है ना। तो ये क्या है, टाइम्ड आउट बल्लेबाज हैं और ये सभी प्रारूप के क्रिकेट में ये पहली बार ऐसा हुआ और ये भी अनचाहा रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गया। अब यहीं पर हम देख सकते हैं आगे हमें क्या मिल जाता है, 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप महत्वपूर्ण तथ्यों की एक आपको सारणी भी मिल जाती है, जैसे कि कुल टीमें कितनी थी 10, कुल मैच कितने खेले गए 48। यहीं पर पहला मैच इंग्लैंड विरुद्ध न्यूजीलैंड हुआ 5 अक्टूबर 2023 को, सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, विराट कोहली ने बनाए थे, भारत के खिलाड़ी, और यहां पर इन्होंने कितने रन बनाए, 765 रन बनाए, ठीक है। यहीं पर सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, ये भी भारत के ही खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी ने लिया, कितने विकेट लिए, 24 विकेट लिए। यहीं पर हम देख सकते हैं सर्वाधिक टीम स्कोर, यानी कि सर्वाधिक टीम स्कोर, पूरी टीम ने मिल करके कितना स्कोर किया सर्वाधिक रूप से इस विश्व कप में, दक्षिण अफ्रीका ने किया, 428 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और किसके खिलाफ खेलते हुए, श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए, या श्रीलंका के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका ने सर्वाधिक टीम स्कोर खड़ा किया 428 का 5 विकेटों के नुकसान पर। यहीं पर हम देख सकते हैं एक मैच में सर्वाधिक कुल स्कोर, यह भी बड़ा रिकॉर्ड है, एक ही मैच में सर्वाधिक बड़ा स्कोर बना है 771 रनों का, और ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड का वह मैच था इसी विश्व कप में, तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, सर्वाधिक कुल स्कोर 771 रन का। अब यह किन दो टीमों के बीच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। यहीं पर देखिएगा ये 200 के आगे अब अगर हम बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि यहां पर अब देखिए इसी आईसीसी वर्ल्ड कप के कुछ और भी बिंदु यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी जीत रनों के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने की 309 रनों से, और किसके विरुद्ध की है, नीदरलैंड के विरुद्ध। यहीं पर एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन किसने बनाए हैं, ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, 201 रन, नॉट आउट, स्टार का मतलब नॉट आउट, 201 रन बनाए। यहीं पर सर्वाधिक शतक बनाने में क्विंटन डी कॉक रहे हैं, जिन्होंने 4 शतक बनाए, और यहीं पर सर्वाधिक अर्धशतक किसने बनाया, भारत के खिलाड़ी विराट कोहली ने बनाए 6 अर्धशतक। यहीं पर सर्वाधिक छक्के किसने लगाए, रोहित शर्मा ने 31 छक्के लगाए, और यहीं पर सर्वाधिक चौके किसने लगाए, विराट कोहली ने 68 चौके लगाए थे इसी विश्व कप में। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड क्या हैं, प्रश्न का भी रूप ले सकते हैं, इसलिए इस पर थोड़ी एक दृष्टि डाल लेना बहुत जरूरी है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि एक पारी में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए, फखर जमान ने लगाए, और कहां के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 11 छक्के लगाए। यहीं पर एक पारी में सर्वाधिक चौके किस खिलाड़ी ने लगाए, ग्लेन मैक्सवेल ने लगाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 21 चौके लगाए। यहीं पर हम देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा एक पारी में किसका रहा है, मोहम्मद शमी का रहा है, इन्होंने 57 रन दे करके 7 विकेट लिए हैं एक ही पारी में, ये भी मोहम्मद शमी के नाम है। यहीं पर हम देख सकते हैं सर्वाधिक बार 5 विकेट लेने का कर्तव्य किसने कर दिखाया, मोहम्मद शमी ने ही कर दिखाया 3 बार, ठीक है, 3 बार इन्होंने 5 से ज्यादा या 5 या 5 से ज्यादा विकेट लिए। यहीं पर हम देख सकते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, विराट कोहली रहे, भारत के खिलाड़ी हैं। यहीं पर गोल्डन बैट सर्वाधिक रन के लिए किसे प्रदान किया गया, विराट कोहली को प्रदान किया गया, और इनके टोटल रन कितने थे इस वर्ल्ड कप में, 765 रन थे। यहीं पर गोल्डन बॉल यानी गोल्डन बैट, गोल्डन बॉल, ये दोनों ही भारत के ही खिलाड़ियों को मिला, और गोल्डन बॉल मिला है सर्वाधिक विकेट के लिए किस खिलाड़ी को, मोहम्मद शमी को, क्यों, क्योंकि इन्होंने 24 विकेट टोटल इस मैच में लिए हैं, ठीक है। तो यहीं पर इस बॉक्स के आगे हम देख सकते हैं इसी के नीचे यहां पर कुछ और भी चीजों को हम देखते हैं, जैसे कि 14वें एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन
वर्ष 2027 में संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे द्वारा किया जाएगा। जो भी घटनाएं घटी उस पर तो सभी की निगाह होती है, पर चूंकि भविष्य में अब यह आयोजन या आईसीसी वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है, इससे जुड़ा प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, पर थोड़ा सा निगाह से हटा होता है, छिपा होता है, इसीलिए जरूरी होता है कि इस पर एक विशेष दृष्टि रखी जाए। यह हमसे पूछ सकता है कि 14वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा, तो संयुक्त रूप से यह होगा 2027 में, और इसमें संयुक्त रूप से कौन कौन से देश या भूखंड भूमिका निभाएंगे, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, यहीं पर हम देख सकते हैं, जबकि 15वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में 2031 में आयोजित किया जाएगा। यानी कि अगला, अब जब भारत फिर से मेजबानी करेगा बांग्लादेश के साथ संयुक्त होकर के, तो वह होगा 15वां आईसीसी वर्ल्ड कप, और कब खेला जाएगा, 2031 में। ठीक है ना, तो चलिए अब यहीं पर हम देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण खेलों के बारे में, जैसे कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023। तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की भी चर्चा यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आयोजन, अब आयोजन गोवा में 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। कभी कभी ये चीजें पूछी जाती हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं कि यहां पर कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिल जाते हैं। जैसे कि यहां हम देख सकते हैं कि साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, तो यहां पर और पहली बार शामिल खेल कौन से हैं, यहां पर हम देख सकते हैं बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेब कटकरा, स्क्वे मार्शल आर्ट, कलरी पयट्टू और पेचक सिलट। ये कुछ ऐसे खेल थे जिन्हें की पहली बार इसमें शामिल किया गया, किसमें, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में। यहीं पर हम देख सकते हैं पहली बार प्रदर्शनी खेल क्या, लगोरी और गतका। यहीं पर शुभंकर मोगा रहा है और एक भारतीय बाइसन है, यह क्या है, शुभंकर के रूप में लिया गया है, किसमें, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में। ठीक है ना, तो यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख पाते हैं, जैसे आधिकारिक गीत या एंथम सॉन्ग क्या रहा है, गेट सेट गोवा, ये एंथम सॉन्ग रहा है। यहीं पर अब पदक तालिका में हम देख सकते हैं कि इस खेल की पदक तालिका में किस प्रदेश के क्या प्रदर्शन रहे हैं, इन पर भी थोड़ी नजर देख के जाना चाहिए। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं महाराष्ट्र 80 स्वर्ण के साथ पहले पायदान पर था, यहीं पर 69 रजत और 79 कांस्य पदक, कुल 228 पदकों के साथ महाराष्ट्र पहले पायदान पर था। यहीं पर हम देख सकते हैं सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, 66 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर। यहीं पर हम देख सकते हैं तीसरे स्थान पर हरियाणा, जिसको कि 62 स्वर्ण मिले, ठीक है, वहीं पर 55 रजत मिले और 75 कांस्य पदक मिले, और कुल मिलाकर के 192 पदकों के साथ तीसरे पायदान पर रहा। तो महाराष्ट्र पहले पायदान पर, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड दूसरे पायदान पर और हरियाणा तीसरे पायदान पर। उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाएं चूंकि आयोजित हो रही हैं, तो उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा, यह भी परीक्षा का प्रश्न बनता है। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 15वें पायदान पर था और 11 स्वर्ण, 24 रजत पदक और 36 कांस्य पदक लेकर के कुल 71 पदकों के साथ उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर था। अब इसी पृष्ठ के अगर हम सेकंड हाफ में आते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं कुछ विशेष बातों को। जैसे यहां पर इसके सेकंड हाफ में ये देखिए, यहां पर राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी क्या है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महाराष्ट्र टीम को 37वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी भी प्रदान की गई। यहीं पर हम देख सकते हैं श्री हरि नटराज तैराकी कर्नाटक को 37वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि अब इससे जुड़े हुए कुछ उप तथ्य भी हैं, जैसे कि श्री हरि नटराज ने इन खेलों में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम
किया। यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि संयुक्ता प्रसेन काले महाराष्ट्र और प्रणति नायक ओडिशा को संयुक्त रूप से इन खेलों की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है किसको किसको सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया। तो संयुक्ता प्रसेन काले जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं और ओडिशा से संबंध रखने वाली प्रणति नायक ये सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में चुनी गई। इन दोनों महिला ये दोनों महिला जिमनास्ट 4 स्वर्ण और 1 रजत जीतने में सफल रही। ठीक है, यहीं पर देख सकते हैं कि अगला संस्करण इस खेलों का 37वें राष्ट्रीय खेलों का अगला संस्करण 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में प्रस्तावित है। अब यहीं पर हम देखते हैं अगला शीर्षक हमें मिलता है खेलों के संदर्भ में 19वें एशियाई खेल। तो 19वें एशियाई खेल से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझाऊ चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर हम देखते हैं मशाल का नाम क्या था, इटर्नल फ्लेम, ये मशाल का नाम। यहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कि 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर या जिसे हम मस्कट कहते हैं क्या है, 3 स्पोर्टी रोबोटों को बनाया गया है और उनके नाम क्या है, चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान, ये तीनों ही रोबोट हैं और यही क्या है, शुभंकर या मस्कट हैं। किसके लिए हैं, 19वें एशियाई खेलों के लिए। तो यहीं पर और भी कई सारे बिंदुओं को हम देख पाते हैं, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे। तो भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, यह भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो यहां पर हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये दोनों लोग रहे हैं। यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि इस विशाल खेल उत्सव में 40 खेलों 61 खेल विषयों यानी स्पोर्ट डिसिप्लिन्स और 481 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये कुछ डाटा रहे। यहीं पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को पदक खेल के रूप में इन खेलों में पहली बार शामिल किया गया। यहीं पर हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि एशियाई ओलंपिक परिषद के सभी 45 सदस्य देशों के 12,000 से ज्यादा एथलीटों ने 19वें एशियाई खेलों में प्रतिभाग किया। ठीक है, फिर क्या बताते हैं कि चीन ने लगातार 11वीं बार एशियाई खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्रदान किया, सर्वोच्च पर रहा। यहीं पर पदक तालिका में भी हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि चीन 201 स्वर्ण 111 रजत और 71 कांस्य के साथ कुल 383 पदकों के साथ पहले पायदान पर था। दूसरे पायदान पर जापान रहा है जिसे 52 स्वर्ण मिले, 67 रजत मिले, 69 कांस्य मिले और 188 कुल पदकों की संख्या है। इसके साथ जापान दूसरे पायदान पर रहा। यहीं पर तीसरे पायदान पर दक्षिण कोरिया 42 स्वर्ण 59 रजत 89 कांस्य और 190 कुल पदकों के साथ तीसरे पायदान पर, भारत चौथे पायदान पर रहा है और भारत ने अर्जित किए 28 स्वर्ण 41 कांस्य और 107 कुल पदकों की संख्या रही। तो यहां पर हम देख सकते हैं और पांचवें पायदान पर उज्बेकिस्तान रहा है जिसने कि 22 स्वर्ण 18 रजत और 31 कांस्य के साथ कुल 71 पदक प्राप्त किए। तो इसके आगे हम अगले पृष्ठों पर जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि खेल से जुड़ी हुई हैं। यहां पर हम देख पाते हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारत का क्या प्रदर्शन रहा। तो 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने इस बार कुल 107 पदक जीते। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं और यहीं पर जिसमें से 28 स्वर्ण हैं और क्या 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। यहीं पर पदक तालिका में स्थान के लिहाज से एशियाई खेलों का इतिहास देखा जाए तो यह भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जबकि भारत ने सर्वाधिक रूप से पदकों को अर्जित किया है।
यहीं पर हम और भी बिंदु पाते हैं कि यदि प्राप्त पदकों के लिहाज से इन खेलों का इतिहास देखा जाए तो यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जाएगा। यानी कि इस बार जो ये आपको एशियाई खेल देखने को मिले हैं ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में भारत का उभर करके आया है प्रदर्शन के मामले में, ठीक है, 19वें एशियाई खेलों में। और यहीं पर हम क्या पाते हैं कि एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने 100 से ज्यादा पदक हासिल किए हैं। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि 19वें एशियाई खेलों में अब तक के प्रदर्शन में भारत ने पहली बार 100 से भी ज्यादा पदकों को अर्जित किया है, ठीक है। यहीं पर हम यह भी देख सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर तथा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यानी महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने ही स्वर्ण अर्जित किया भारतीय क्रिकेट टीम के संदर्भ में, ठीक है। तो यहीं पर हम यह भी देख सकते हैं कि कबड्डी के दोनों स्वर्ण पदक भी भारत ने हासिल किए हैं। यहीं पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में गत चैंपियन जापान को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया। तो हॉकी टीम का भी प्रदर्शन सर्वोच्च रहा है। यहीं पर कुश्ती में भी अव्वल रहे हैं, यहां कबड्डी में भी अव्वल रहे हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम महिला और पुरुष जिसको कि पहली बार शामिल किया गया, ये इन दोनों ने भी अव्वल प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक अर्जित किया। यहीं पर हम और भी बिंदु पाते हैं कि हांगझाओ 2022 में भारत के सबसे सफल एथलीट निम्न हैं, कौन कौन से हैं, ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी के मामले में 3 स्वर्ण लेकर के। यहीं पर दूसरे पायदान पर ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी के ही मामले में 3 स्वर्ण लेकर के। यहीं पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी के क्षेत्र में 2 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक लेकर के, ये क्या है, भारत सबसे सफल एथलीट के रूप में मान्यता प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहीं पर देखिए और भी आप कुछ चीजों को पाते हैं। एक बॉक्स में क्या है, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी। अब यहां पर देख सकते हैं आप झांग यूफेई चीन तैराकी के मामले में को सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी घोषित किया गया। इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। यहीं पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि किन हयांग चीन तैराकी को सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया है। उन्होंने 19वें एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किए। यहीं पर हम ये भी देख पा रहे हैं, बॉक्स से बाहर आने पर भी कुछ बिंदु देखते हैं, जैसे कि 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। यानी कि जो समापन समारोह हुआ उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में कौन जाने जाते रहे 19वें एशियाई खेलों में, पीआर श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं। यहीं पर हम देख पा रहे हैं एशियाई खेलों का अगला संस्करण जापान के आइची और नगोया में वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो अगला कब आयोजित किया जाएगा, 2026 में। यहीं पर हम यह भी देख पाते हैं टोक्यो 1958 और हिरोशिमा 1994 के बाद यह तीसरा अवसर होगा जब इन खेलों का आयोजन जापान में किया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके यहां हम देखते हैं कई सारी विविधताओं को। यहीं पर कई बिंदुओं के आगे अब हमें एक नया शीर्षक मिलता है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 फाइनल मैच। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 में 21-22 यहां पर फाइनल मैच की जो स्थिति है वो यहां पर हम देख सकते हैं कि आयोजन कहां पर हुआ, लंदन यूके में स्थित द ओवल क्रिकेट स्टेडियम में 7-11 जून 2023 के मध्य। यहीं पर संस्करण कौन सा था, दूसरा संस्करण था, और इसका परिणाम क्या था, विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत। तो जो टेस्ट की क्रिकेट की बात है उसमें भी हम देख पाते हैं विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता कौन रहा, भारत, ठीक है। तो यहीं पर इसी के सेकेंड हाफ में भी कुछ चीजें दर्शाई गई हैं, जैसे कि हम यहां पर देखेंगे
यहां पर देख सकते हैं व्यक्तिगत पुरस्कारों की क्या स्थिति रही है इस टेस्ट मैच में। तो प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने 163 रन बनाए प्रथम पारी में और 18 रन द्वितीय पारी में। तो ये क्या थे, प्लेयर ऑफ द मैच। अब जरा यहां पर अगला शीर्षक आपको दिखता होगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। अब ये क्या दिखाते हैं, आयोजन। आयोजन कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा तथा दिल्ली। निशानेबाजी में 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य कबड्डी का आयोजन, 23 से 27 मई 2023 नोएडा में, ठीक। यहीं पर हम देखते हैं संस्करण क्या था, तीसरा, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 को शामिल करते हुए चौथा संस्करण रहा, ठीक है। तो यहीं पर इसके शुभंकर के रूप में यह महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, शुभंकर कई बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो शुभंकर क्या था, जीतू, एक 12 सिंगा जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। यहीं पर हम देख पाते हैं आधिकारिक मशाल या टॉर्च क्या था, उसका नाम शक्ति। और यहीं पर आधिकारिक गीत या एंथम क्या रहा, खेलो इंडिया हर दिल में देश, गायक तथा गीतकार पलाश सेन। तो यहां पर कुछ चीजों को देखा, फिर इसी खेल से संदर्भित आपको पदक तालिका का भी एक विवरण यहां पर दिखता है कि शीर्ष तीन में क्या क्या स्थितियां हैं। यहां पर 3 रैंक दी गई है, विश्वविद्यालय कौन से, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने सर्वाधिक स्वर्ण 26, 17 रजत, 26 कांस्य, कुल 69 पदकों के साथ पहले पायदान पर। यहीं पर दूसरे पायदान पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर रहा, जिसने कि 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं और कुल पदकों की संख्या 68 है। यहीं पर तीसरे पायदान पर जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक रहा है, जिसने कि 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य के साथ 32 पदकों के साथ तीसरे पायदान पर रहा। इसी में हम ये भी पाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एथलीट की भी चर्चा होती है। तो यहां पर देख सकते हैं शिव श्रीधर, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक, तैराकी, कुल 11 पदक, 8 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य जीतकर इस संस्करण के सर्वाधिक सफल एथलीट रहे हैं। यहीं पर देख सकते हैं श्रृंगी बाधेकर, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक, तैराकी, 9 पदकों, 5 स्वर्ण, 4 रजत के साथ सर्वाधिक सफल महिला एथलीट रही। अब यहीं पर आप देखिएगा, आपको एक अगला भी शीर्षक मिल जाता है, क्या 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 के प्रति आप लोग बहुत जागरूक भी रहे हैं। और यहां पर देखिए, हो ना हो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना भरपूर होती है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि सभी 10 टीमों के गृह मैदानों के साथ गुवाहाटी और धर्मशाला में आईपीएल के 16वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ। कब से, 31 मार्च से 29 मई 2023 के मध्य। यहीं पर परिणामों की कुछ चर्चा करते हैं, तो विजेता कौन रहा, चेन्नई सुपर किंग्स, 5वां खिताब है यह उसका। और यहीं पर उप विजेता कौन था, गुजरात टाइटंस। यहीं पर हम एक आध बिंदुओं को और देख सकते हैं, जैसे 5 खिताबों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के सर्वाधिक आईपीएल खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर बात करें तो शुभमन गिल को सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है, जो किस टीम के खिलाड़ी रहे, गुजरात टाइटंस के, ठीक है। तो यहां पर इसी के साथ जब हम अगले पृष्ठों पर आते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं अगले पृष्ठ पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिलते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज कैप यानी कि आईपीएल का ऑरेंज कैप जो प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया जाता है, शुभमन गिल को दिया गया, गुजरात टाइटंस के प्लेयर रहे, 890 रनों का योगदान किया। यहीं पर पर्पल कैप प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है और इसे दिया गया मोहम्मद शमी को, ये भी गुजरात टाइटंस के ही प्लेयर हैं और इन्होंने 28 विकेट लिए हैं। यहीं पर आप देखते हैं कि जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोहम्मद शमी को गोल्डन
गोल्डन बॉल दिया गया था, कितने विकेट लिए थे, 24 विकेट लिए थे, ठीक है। तो यहीं पर हम ये भी देख सकते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया, यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के लिए। और यहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कैच ऑफ द सीजन का खिताब मिला राशिद खान को, और ये भी गुजरात टाइटंस के ही प्लेयर हैं। इसी में आप नीचे एक बॉक्स पाते हैं जो कि विराट कोहली से कुछ महत्वपूर्ण संबंधित तथ्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। यहीं पर एक और बिंदु है, उन्होंने 237 आईपीएल मैचों में 7263 रन बनाए हैं। यहीं पर इसके साथ ही कोहली आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो कुल मिलाकर कोहली से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को आपने यहां पर देखा। यहीं पर हम आगे भी पाते हैं कि एक बॉक्स में 1000वां आईपीएल मैच के रूप में कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि आईपीएल के इतिहास में 1000वें मैच का आयोजन 30 अप्रैल 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। यहीं पर इस मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से पराजित किया। और एक बिंदु महत्वपूर्ण है कि राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल 124 रन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी में आप आगे भी देख पा रहे हैं कि आईपीएल 2024 यानी मिनी ऑक्शन को लेकर के क्या बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि आयोजन कहां पर हुआ, दुबई यूएई में 19 दिसंबर 2023 को। यहीं पर दूसरा बिंदु है कि पहली बार भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन भारत के बाहर किया गया, यह पहला मौका था। यहीं पर एक बिंदु और है आईपीएल 2014 से जुड़ा हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा, तो ये अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हुए। यहीं पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टेस्ट एवं ओडीआई टीम के कप्तान पैट कमिंस आईपीएल के इतिहास में दूसरे सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी बने। यहीं पर आप देखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH ने कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा। अब इसी के आगे आप एक नया शीर्षक पाते हैं महिला प्रीमियर लीग 2023। अब इसका आयोजन कहां पर किया गया, 4 से 26 मार्च 2023 को BCCI द्वारा मुंबई भारत में किया गया। यहीं पर देखते हैं यह संस्करण कौन सा था, पहला, यानी पहली बार इस प्रकार का आयोजन महिलाओं को लेकर के किया गया, तो महिला प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हम देख सकते हैं टाइटल प्रायोजक कौन रहे, इसके टाटा कंपनी रही या टाटा रहे, शुभंकर क्या था, शक्ति एक शेरनी, ये शुभंकर रहा, और इसके परिणाम क्या रहे, मुंबई इंडियंस विजेता टीम के रूप में रही और उप विजेता टीम के रूप में दिल्ली कैपिटल्स रही, ठीक है। तो यहीं पर इसी पृष्ठ के आप सेकंड हाफ में आते हैं तो यहां पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दिख सकती हैं, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं व्यक्तिगत पुरस्कारों को लेकर के। तो व्यक्तिगत पुरस्कारों के मामले में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की रही। यहीं पर फेयर प्ले पुरस्कार मुंबई इंडियंस को मिला। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के मामले में मैग लैनिंग को मिला, जो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेयर रही हैं, इन्होंने 345 रन बनाए हैं। यहीं पर पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी को दिया गया, नाम है हेली मैथ्यूज, और ये किस टीम की है, मुंबई इंडियंस की, इन्होंने 16 विकेट लिए हैं। अब इसी के आगे आप फिर से एक नया शीर्षक पाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। यहां पर आप क्या पाते हैं, आयोजन चूंकि परीक्षा के प्रश्न के रूप में आता है तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका आयोजन कहां पर हुआ। तो आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों तथा नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन हुआ। यहीं पर हम देख पाते हैं संस्करण यह कौन सा था, यानी 5वां संस्करण था, और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019, 2020, 2021 और 2022
के रूप में। यहीं पर हम शुभंकर को पाते हैं, उसका नाम है आशा। सॉरी, शुभंकर क्या है? आशा, एक मादा चीता और मोगली, ठीक है ना। फिर यहीं पर मशाल, मशाल क्या? अमर कंटक यानी स्मार्ट टॉर्च के नाम से। यहीं पर आधिकारिक गीत क्या है? एंथम सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये एंथम सॉन्ग रहा है। और खेल 27, ठीक है ना, 27 तरह के खेल रहे हैं। यहीं पर नए खेलों को भी शामिल किया गया, उनमें कौन कौन से हैं? तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग तथा वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग, कयाकिंग एवं स्लालोम, ठीक है। ये कुछ नए खेल रहे जो इस बार इसमें शामिल किए गए। अब हम पदक तालिका पर अगर एक दृष्टि डालें तो पाते हैं कि यहाँ पर शीर्ष तीन और उत्तर प्रदेश व बिहार की क्या स्थिति रही है, उसे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र पहले पायदान पर रहा, 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ कुल 161 पदकों के साथ। यहीं पर हम देख पाते हैं हरियाणा दूसरे पायदान पर है, 41 स्वर्ण, 32 रजत, 55 कांस्य और 128 कुल पदकों के साथ ये हरियाणा दूसरे पायदान पर है। वहीं पर 39 स्वर्ण, 30 रजत, 27 कांस्य और 96 कुल पदकों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है, चौथे नहीं 14वें स्थान पर है। कैसे? 6 स्वर्ण, 14 रजत, 16 कांस्य और 36 कुल पदकों के साथ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। यहीं पर उत्तर प्रदेश के पड़ोसी बिहार की क्या स्थिति है? बिहार 24वें स्थान पर है। किस रूप में? 1 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य और कुल 7 पदकों के साथ बिहार 24वें स्थान पर है। तो यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और पाएंगे कि एक नया शीर्षक मिल जाता है परीक्षाओं को लेकर के, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023। अब इसमें हम क्या पाएंगे? आयोजन, आयोजन कहां पर हुआ? गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य। यहीं पर संस्करण कौन सा था? संस्करण तीसरा था। और खेल कौन कितने थे? 11। यहीं पर हम देख सकते हैं शुभंकर, शुभंकर क्या था? हिम तेंदुआ या स्नो लियोपार्ड, ये क्या था? इसका शुभंकर था। अब अगर पदक तालिका में हम दृष्टि डालें तो शीर्ष तीन और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये हम पदक तालिका से जान सकते हैं। परंतु यहाँ पर पहले पायदान पर जम्मू और कश्मीर रहा, दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र, तीसरे पायदान पर हिमाचल प्रदेश और चौथे पायदान सॉरी 19वें पायदान पर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा? उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान रहा, जिसने कि कोई भी स्वर्ण नहीं अर्जित किया है, 2 रजत पदक अर्जित किए हैं, 5 कांस्य पदक अर्जित किए हैं और 7 कुल पदकों के साथ उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर रहा। अब अगर इसी के आगे हम बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर, तो अगले पृष्ठ के फर्स्ट हाफ में हमको एक नया शीर्षक मिल जाता है, क्या? FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023, जिसका कि आयोजन कहां पर किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य संपन्न किया गया। यहीं पर हम देख सकते हैं आधिकारिक गीत या एंथम क्या था? हॉकी है दिल मेरा, हॉकी है दिल मेरा, ये एंथम रहा है। किसका एंथम रहा है? FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का, जिसके की संगीतकार कौन है? प्रीतम है, ठीक है। यहीं पर हम देखते हैं शुभंकर क्या रहा है? ओली द वॉरियर, एक ऑलिव रिडले कछुआ, तो यह क्या था? इसका शुभंकर था। यहीं पर भारत में आयोजित होने वाला यह रिकॉर्ड चौथा, यानी कि 1982 में, 2010 में, 2018 में और अब वर्तमान 2023 में, यानी कि यह भारत में रिकॉर्ड चौथी बार आयोजित किया गया। यहीं पर हम देखते हैं ओडिशा लगातार 2 पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 और 2023 आयोजित करने वाला पहला राज्य बन गया है, इसने आयोजन करवाया है, तो आयोजित करने वाला ओडिशा पहला राज्य बन गया है, 2 बार आयोजन करवाया है। कब कब? 2018 में और 2023 में। अब इस प्रतियोगिता का परिणाम क्या रहा, अगर हम इस पर एक दृष्टि डालें तो पाएंगे फाइनल मैच आयोजन स्थल कहां था? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर। यहीं पर विजेता कौन? जर्मनी, तीसरा खिताब।
यहीं पर उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम रहा। तो ये कुछ आपको मुख्य बिंदु यहां पर देखने को मिल गए। इसी के आप सेकेंड हाफ में आते हैं तो यहां पर आप कुछ चीजों को देख पाते हैं, जैसे कि भारत यहां पर आप देख सकते हैं इसी के सेकेंड हाफ में इस बुक के, यहां पर भारत विश्व कप में अंतिम रूप से अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहा। तो भारत की क्या स्थिति रही? नौवें स्थान पर रहा। विश्व कप में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? हरमनप्रीत सिंह भारतीय कप्तान रहे। अब जरा पुरस्कारों पर एक दृष्टि डालते हैं तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में निकलास वेलन जर्मनी के खिलाड़ी को चुना गया। यहीं पर सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर के रूप में विंसेंट वनास बेल्जियम के खिलाड़ी को चुना गया। यहीं पर सर्वाधिक गोल जेरेमी हेवर्ड ने किया, जिन्होंने कि 9 गोल किया। और यहीं पर टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी के रूप में मुस्तफा कासिम को चुना गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। और यहीं पर हम देख पाते हैं प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? बेल्जियम को प्राप्त हुआ। तो कुल मिला जुला करके ये कुछ तथ्य रहे। यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के अगले संस्करण का आयोजन वर्ष 2026 में, ये ध्यान रखिएगा कि FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के अगले संस्करण का आयोजन या अगली बार कब आयोजित होगा? 2026 में संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में किया जाएगा। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में किया जाएगा। तो अब यहीं पर जरा हम आ जाते हैं, यहां हम देख सकते हैं पदक तालिका में यहां पर देख सकते हैं टेनिस प्रतियोगिता वर्ष 2023 की क्या स्थिति रही है। यहां पर आप देखिएगा ATP फाइनल्स, WTA फाइनल्स, ठीक है। तो यहां पर प्रतियोगिताओं के नाम दिए गए हैं, विजेता उपविजेता की क्या स्थिति रही है पुरुष के मामले में, और विजेता उपविजेता की क्या स्थिति रही है महिला एकल के मामले में, उसका भी आपको यहां पर ब्यौरेवार तरीके से बिल्कुल इस चार्ट में मिल जाता है। तो इसी के आगे जब हम बढ़ते हैं यहां पर, यहीं पर हम ये भी देख पा रहे हैं टेनिस, अगला हमें शीर्षक क्या मिलता है? हम उस चार्ट से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें अगला शीर्षक मिल गया टेनिस। अब टेनिस से जुड़ी प्रतियोगिताओं में क्या स्थितियां रही हैं उनको पर भी एक दृष्टि डालते हैं। जैसे कि यहां पर टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का जो खेल हुआ उसमें उसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया, 12 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। संस्करण 5वां था, टीमें 8 थी, और इसका परिणाम क्या हुआ? विजेता बंगलुरु SG मावेरिक्स रहा और उपविजेता बंगाल विजार्ड्स रहा। यहीं पर हम देखते हैं अगला आपको मिल जाएगा डेविस कप फाइनल्स 2023 का आयोजन मलागा स्पेन में 21 से 26 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। परिणाम क्या रहा? विजेता टीम इटली रही, दूसरा खिताब रहा इटली का, ये इस मामले में इटली का दूसरा खिताब था, और विजेता भी रही इटली और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रही। यहीं पर हम देखते हैं अगला भी है विली जीन किंग कप फाइनल्स 2023 का, ये जो मुकाबला था इसका आयोजन सेलिवे स्पेन में 7 से 12 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। परिणाम क्या निकला? विजेता कनाडा रहा, या इसका पहला खिताब था, और उपविजेता इटली रहा। यहीं पर बिली जीन किंग कप महिला टेनिस की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है, ठीक है। अब जरा इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो फिर से हमें दिख जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियां रही हैं जिनमें निश्चित रूप से प्रश्न बनते रहे हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी 2023, ये क्या कहता है? आयोजन, आयोजन कहां पर किया गया? भारत की इस घरेलू क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन 23 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर हम देख सकते हैं क्रिकेट प्रारूप क्या था, लिस्ट ए में 50-50 ओवर, ठीक है, यानी 50-50 ओवरों का ये मैच था। यहीं पर इसके परिणामों पर अगर हम एक दृष्टि डालें तो विजेता हरियाणा रहा, पहला खिताब इसे मिला, उपविजेता राजस्थान रहा। यहीं पर व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर बात करें तो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुमित कुमार, जो कि हरियाणा टीम के खिलाड़ी रहे, इनको मिला है। यहीं पर भारत ऑस्ट्रेलिया T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला 2023 की बात करें तो इसका आयोजन भारत में 23 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया।
मैच 5 हुए, परिणाम इसके क्या रहे, विजेता भारत रहा 4-1 से। और यहीं पर व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर बात करें तो श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रवि बिश्नोई भारत का रहा, यहीं पर भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे। और क्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की अगर हम चर्चा करें तो इसका भी आयोजन, भारत की इस घरेलू क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन विभिन्न शहरों में 16 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। इस क्रिकेट का प्रारूप क्या था, यह T20 यानी 20-20 ओवरों का मैच था, 20-20 मैच रहा। अब जरा इसी के हम सेकंड हाफ में आते हैं। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि इस मैच का क्या परिणाम रहा, विजेता पंजाब टीम रही जिसका कीपर पहला खिताब था, और उप विजेता बड़ौदा रहा। यहीं पर अगर व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा पंजाब का रहा। यहीं पर एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज्यादा रन, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया कि एक ही T20 मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज्यादा रन बने तो उससे जुड़े क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, नेपाल एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है, ठीक है। यहीं पर क्या महत्वपूर्ण बिंदु है कि एशियाई खेलों की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान नेपाल ने मंगोलिया के विरुद्ध 3 विकेट खोकर 314 रन बनाए 27 सितंबर 2023 को। और यहीं पर क्या नेपाल के बल्लेबाजों ने इस पारी में कुल 26 छक्के लगाए, अंतरराष्ट्रीय मैच था जिसमें कि नेपाल के बैट्समैन ने क्या किया, 26 छक्के लगाए, जो T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। यहीं पर हम देख पा रहे हैं कि नेपाली हरफन मौला खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी, अब ये नाम याद रखिएगा, दीपेंद्र सिंह एरी ने इस मैच के दौरान T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वाधिक तेज अर्धशतक मात्र 9 गेंदों में लगाया। तो यहीं पर हम देख पा रहे हैं, अगला भी आपको एक बिंदु मिलेगा, भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जरा इन पर एक दृष्टि डालते हैं। आयोजन इसका भारत में 22 से 27 सितंबर 2023 के मध्य किया गया, विजेता भारत रहा 2-1 से, यानी 2 मैच जीत करके 1 मैच हार करके। और व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर बात करें तो श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुभमन गिल को चुना गया जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। अच्छा, अब यहीं पर हम देखते हैं एशिया कप 2023, एशिया कप 2023 में आयोजन देखा जाए तो पाकिस्तान और श्रीलंका में 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के मध्य किया गया। फाइनल मैच का आयोजन स्थल आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका रहा। संस्करण यह 16वां था और प्रारूप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच का था। परिणाम विजेता भारत रहा, रिकॉर्ड 8वां खिताब जीता है भारत ने इस टूर्नामेंट का, और उपविजेता कौन रहा, श्रीलंका रहा। यहीं पर व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर चर्चा करें तो श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुलदीप यादव भारत को चुना गया, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मोहम्मद सिराज भारत को चुना गया, 6 विकेट लेकर के उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। यहीं पर हम देख पाते हैं कि सिराज किसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, विश्व में ये 4थे नंबर पर हैं, और भारत के मामले में ये पहले भारतीय हैं जो एक ओवरों में 4 विकेट लिया है। यहीं पर एक आपको अन्य शीर्षक भी मिल जाता है, भारतीय टीम का वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका दौरा 2023। अब ये क्या कहता है, आयोजन कहां पर किया गया, 12 जुलाई से 13 अगस्त 2023 के मध्य। यहीं पर टेस्ट श्रृंखला का परिणाम क्या रहा, विजेता भारत रहा 1-0 से, और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम क्या रहा, यहीं पर हम देख सकते हैं एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम विजेता भारत 2-1 से। अच्छा, तो यहीं पर अगले पृष्ठ की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर
कुछ और भी व्यक्तिगत पुरस्कारों की भी चर्चा की गई है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ईशान किशन को दिया गया, जो कि भारत के प्लेयर रहे। भारत वेस्टइंडीज के विरुद्ध लगातार 13वीं द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीतने में सफल हुआ। यहीं पर T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम क्या रहा, T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम क्या रहा, विजेता वेस्टइंडीज 3-2 से। व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज निकोलस पूरन, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी रहे, उनको मिला। कुलदीप यादव T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यहीं पर अगर हम अब एशेज श्रृंखला पुरुषों की 2023 की बात करें तो इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि आयोजन इंग्लैंड में 16 जून से 31 जुलाई 2023 के मध्य किया गया। प्रतिभागी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रहे। प्रारूप क्या था, टेस्ट क्रिकेट का था और परिणाम ड्रॉ हो गया। 2-2 मैच जीत करके परिणाम ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज खिताब अपने पास बरकरार रखा, तो ये उसके कुछ परिणाम हो गए। यहीं पर हम देख सकते हैं एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023, तो यहां पर देख सकते हैं आप आयोजन श्रीलंका में 13 से 23 जुलाई 2023 के मध्य किया गया। परिणाम इसके विजेता पाकिस्तान ए रहा, उपविजेता भारत ए रहा। और इसी के आगे अगला भी क्या है, छोटे छोटे शीर्षकों में बटा हुआ है, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं दिलीप ट्रॉफी 2023, तो बेंगलुरु कर्नाटक में 28 जून से 16 जुलाई 2023 के मध्य आयोजन किया गया। यहीं पर हम देख सकते हैं दिलीप ट्रॉफी भारत का घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। यहीं पर इसके परिणामों की अगर चर्चा करें तो विजेता दक्षिण क्षेत्र रहा और उपविजेता पश्चिम क्षेत्र रहा। अगला शीर्षक आपको दिख सकता है महिला T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023। अब इसका आयोजन कहां पर हुआ, हांगकांग में 12 से 21 जून 2023 के मध्य संस्करण इसका पहला था। और अगर परिणामों की बात करें तो परिणाम में विजेता भारत ए महिला रही और उपविजेता बांग्लादेश ए महिला रही। यहीं पर आप देखते हैं भारत ए महिला टीम की कप्तान श्वेता सहरावत रही हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु बनता है परीक्षा दृष्टि को लेकर के। यहीं पर हम देख सकते हैं ईरानी कप 2023 का आयोजन कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में 1 से 5 मार्च 2023 के मध्य हुआ। यहीं पर अगर हम परिणामों की चर्चा करें तो विजेता शेष भारत रहा, उपविजेता मध्य प्रदेश रहा। और व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर चर्चा करें तो व्यक्तिगत पुरस्कारों के बारे में ईरानी कप 2023 के बारे में प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल शेष भारत के रहे, जिन्होंने 213 और 144 रन की पारी खेली। यहीं पर हम पाते हैं यशस्वी जायसवाल एक ईरानी ट्रॉफी मैच में दोहरा शतक के साथ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ बिंदुओं को हमने देखा। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं इसके सेकंड हाफ में, और यहां पर भी कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की क्या मुख्य बातें हैं, जैसे कि आयोजन महिला T20 विश्व कप का आयोजन 10 से 26 फरवरी 2023 को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया गया। यहीं पर संस्करण इसका 8वां था। प्रतियोगिता के परिणामों पर अगर हम दृष्टि डालें तो पाएंगे विजेता ऑस्ट्रेलिया रही, या इसका 6वां खिताब था। यहीं पर उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। यहीं पर पुरस्कार और आंकड़ों की भी अगर हम चर्चा करें तो पाएंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर को मिला। यहीं पर प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन लौरा वोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर रही, इन्होंने किया 230 रन बनाने के साथ। और प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट किसने लिया, सोफी एक्लेस्टोन जो कि इंग्लैंड की प्लेयर रही, इन्होंने लिया 11 विकेट। यहीं पर हम देख पाते हैं भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर रही। और
अगला संस्करण यानी कि नौवां जो नौवीं बार जो खेला जाएगा या नौवां संस्करण वर्ष 2024 में होगा यानी इसी वर्ष होगा और बांग्लादेश में इसका आयोजन होगा। दसवां संस्करण वर्ष 2026 में होगा, इंग्लैंड एवं वेल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, यहीं पर हम यह भी देख पाते हैं कि आईसीसी पुरस्कार 2022 के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बॉक्स में दर्शाया गया है, जैसे कि घोषणा 24 जनवरी 2023 को किया गया, विजेता कौन रहा, आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की गई किसको, बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर को। यहीं पर आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हेतु राचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी इनको मिली, किसको मिली है, नताली साइवर इंग्लैंड को मिली है। यहीं पर हम देख सकते हैं आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर कौन रहे, सूर्य कुमार यादव भारत के रहे। यहीं पर आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला के रूप में किसे चुना गया, रेणुका सिंह भारत को चुना गया। तो ठीक है, इसी के आगे हम देख पा रहे हैं रणजी ट्रॉफी 2022-23 से जुड़े क्या बिंदु हैं। यहां पर आयोजन इसका भारत के विभिन्न शहरों में 13 दिसंबर 2022 से लेकर के 19 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर इसके परिणामों पर अगर एक दृष्टि डालें तो पाते हैं कि विजेता सौराष्ट्र की टीम रही, यह इसका दूसरा खिताब था, और उपविजेता बंगाल रहा। यहीं पर पुरस्कारों की चर्चा करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्पित बसावड़ा सौराष्ट्र के खिलाड़ी रहे, इनको मिला। यहीं पर हम और बिंदुओं पर देखते हैं तो प्रतियोगिता के दौरान नारायणन जननी वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन रणजी ट्रॉफी मैचों का संचालन करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। ठीक है, यहीं पर देख सकते हैं आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की क्या मुख्य बातें हैं, जैसे कि आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी 2023 के मध्य किया गया, संस्करण इसका प्रथम था और प्रतियोगिता का परिणाम रहा कि भारत ने यह खिताब जीता पहली बार और उपविजेता के रूप में इंग्लैंड रहा। यहीं पर अगर हम अब आगे के पृष्ठों पर जाते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर पुरस्कारों की अगर हम चर्चा करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड के रहे। यहीं पर भारतीय U19 महिला टीम की कप्तान शैफाली वर्मा रही। तो यहां पर एक बॉक्स भी आपको मिल जाता है जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 की भी कुछ चर्चा करता है, जैसे कि पुरुष और महिला के संदर्भ में नवंबर 2023 में ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के, नाहिदा अख्तर बांग्लादेश की महिला। यहीं पर अक्टूबर 2023 में रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के पुरुष खिलाड़ी और हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी। यहीं पर सितंबर 2023 में शुभमन गिल भारत के और चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका के। तो यहां पर आपको हर एक महीने के हिसाब से यहां पर पूरा आपको मिल जाता है। इसी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हॉकी से जुड़े हुए क्या मुख्य बिंदुओं को दर्शाया गया है, जैसे कि यहां पर पहली जो चैंपियनशिप है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की चर्चा है, और इसमें यह बताया गया है कि आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में 17 से 28 नवंबर 2023 के मध्य किया गया, परिणाम हॉकी पंजाब विजेता रही, उप विजेता के रूप में हॉकी हरियाणा रही, यानी कि पंजाब विजेता और हरियाणा उप विजेता। यहीं पर हम देख सकते हैं 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 यानी जूनियर संवर्ग में अगर हम देखते हैं तो इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में 5 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया, परिणाम इसका रहा कि जर्मनी विजेता रही है और यह रिकॉर्ड 7वीं बार उसने खिताब जीता है। यहीं पर उप विजेता फ्रांस रही है जूनियर विश्व कप 2023 के मामले में, 13वां हॉकी पुरुष के मामले में। अब इसी में हम यहां पर इसके सेकंड हाफ में भी कुछ चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम
देख सकते हैं स्पेन, स्पेन ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भारत को पराजित किया। यहीं पर हम ये भी पाते हैं कि व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत पुरस्कारों के मामले में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, गास्पार्ड जेवियर फ्रांस के रहे हैं। यहीं पर हम ये पाते हैं टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, जोशुआ ऑकनेउ जर्मनी के खिलाड़ी रहे हैं। अब यहीं पर देख सकते हैं FIH राइजिंग स्टार के रूप में पुरस्कृत कौन किए गए, गास्पार्ड जेवियर, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और यहीं पर सर्वाधिक गोल किसने किया, ह्यूगो लाबुचेरे जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 9 गोल किए। तो यहीं पर हम देखते हैं अगला भी शीर्षक हमें दिख जाता है, जैसे कि 10वीं हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 महिलाओं के संदर्भ में और जूनियर सेक्शन के मामले में जो 10वीं हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 रहा है उसके क्या प्रमुख बिंदु रहे हैं। जैसे कि आयोजन इसका सैंटियागो चिली में 29 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर अगर हम परिणामों पर दृष्टि डालें तो विजेता नीदरलैंड्स रहा है, आप देख सकते हैं, और यह इसका रिकॉर्ड 5वां खिताब था। यहीं पर उप विजेता अर्जेंटीना रही है। यहीं पर आप देख सकते हैं बेल्जियम ने कांस्य पदक हासिल किया। यहीं पर अगला बिंदु है भारतीय महिला जूनियर टीम इस विश्व कप में 9वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टेरेसा लीमा स्पेन की खिलाड़ी रही। यहीं पर सर्वाधिक गोल एस्ट्रिड बोनामी बेल्जियम के खिलाड़ी रही 11 गोल के साथ। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना देश की मर्सिडीज अर्टोला रही हैं। अब यहीं पर अगला शीर्षक भी आपको मिल जाता है कि जैसे 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के क्या मुख्य बिंदु हैं, आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। यहीं पर हम देखते हैं आयोजन इसका रांची झारखंड में किया गया, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। परिणाम क्या था, विजेता भारत रहा है जो कि इसका दूसरा खिताब है, यानी भारत के लिए यह दूसरी बार इसने जीत हासिल की है। यहीं पर उपविजेता जापान रहा है, ठीक है। और यहीं पर हम अगला भी एक कप पाते हैं, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 में क्या आयोजन इसका जौहर मलेशिया में हुआ, 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 के मध्य। यहीं पर परिणाम पे अगर दृष्टि डालें तो विजेता जर्मनी रहा, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा करके तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो भारत इस मुकाबले में तीसरे पायदान पर रहा। अब इसी के आगे हम पाते हैं एक और शीर्षक है, 41वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023-24। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आयोजन कहां पर हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 10 से 20 अक्टूबर 2023 को। परिणाम क्या निकले, CAG दिल्ली इसकी विजेता रही और उपविजेता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं हॉकी 5S एशिया कप 2023 की अगर चर्चा करें तो आयोजन इसका सलालाह ओमान 25 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर यह इसका प्रथम संस्करण था, यानी कि पहली बार इसका आयोजन हुआ, यानी हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण था। यहीं पर हम देख सकते हैं परिणाम क्या रहा, पुरुष हॉकी 5S का परिणाम क्या रहा, विजेता भारत रहा और उपविजेता पाकिस्तान रहा। अब जरा इसी पुस्तक के अगले पृष्ठों पर अगर हम अवलोकन करें तो इस अगले पृष्ठ के प्रथम पक्ष पर या इसके फर्स्ट हाफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि परिणाम महिला हॉकी 5S का क्या परिणाम रहा, वह पुरुषों की बात थी, अब यहाँ महिलाओं की चर्चा करते हैं। तो महिला हॉकी 5S में विजेता भारत रहा और उपविजेता थाईलैंड रहा, ठीक है, या रही। तो कुल मिला जुला करके अब इसमें कुछ और भी बिंदु हैं, जैसे हॉकी 5S एक छोटा तथा आक्रामक प्रारूप है। यहीं पर अगला बिंदु है, प्रत्येक टीम में सिर्फ 5 खिलाड़ी, 4 फील्ड खिलाड़ी और 1 गोलकीपर ही होते हैं। तो ये एक नए प्रारूप पर खेल आयोजित किया गया और उसके भी कुछ आपको परिणाम दिखाई दिए। यह चूंकि पहली बार आयोजन हुआ है पुरुष और महिला का अलग अलग, तो ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, और तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसका विजेता भारत हो, यानी महिलाओं में
में भी भारत ही विजेता रहा और पुरुषों में भी भारत ही विजेता रहा। पुरुषों के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया और महिलाओं के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को हरा करके यह पुरस्कार अर्जित किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहीं पर आप देख सकते हैं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष 2023 की क्या बातें की गई हैं। जैसे कि आयोजन कहां पर हुआ, चेन्नई में हुआ भारत में, 3 से 12 अगस्त 2023 के मध्य। यहीं पर प्रतियोगिता का परिणाम क्या रहा, विजेता भारत रहा 4th खिताब के साथ, उपविजेता कौन रहा, मलेशिया रहा, ठीक है। तो यहीं पर और प्रदत्त पुरस्कार क्या मिले, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मनदीप सिंह भारत इनको मिला। यहीं पर FIH हॉकी प्रो लीग पुरुष 2023-24 की अगर हम चर्चा करें या एक नया शीर्षक के अंतर्गत क्या हमको कुछ देखने को मिलता है, तो आयोजन इसका कहां पर हुआ, 28 अक्टूबर 2022 से 5 जुलाई 2023 के मध्य किया गया और परिणाम इसका रहा विजेता नीदरलैंड्स रहा और उपविजेता ग्रेट ब्रिटेन रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं कि भारतीय टीम इस लीग में 4th स्थान पर रही। किस लीग में, FIH हॉकी प्रो लीग पुरुष 2022-23 वाले लीग के मामले में भारत 4th स्थान पर रहा। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देख सकते हैं FIH हॉकी प्रो लीग महिला 2022-23 की क्या मुख्य बातें हैं। जैसे कि आयोजन 4 नवंबर 2022 से 5 जुलाई 2023 के मध्य किया गया और इसके परिणाम क्या निकले कि विजेता नीदरलैंड्स रहा और उपविजेता अर्जेंटीना रहा। महिला जूनियर एशिया कप 2000, यहां पर अब अगले शीर्षक के अंतर्गत हम क्या पाते हैं, हॉकी के ही एक अलग टूर्नामेंट में जो कि क्या है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2023। तो इसमें आयोजन कहां पर किया गया, काका मीगा हारा जापान में किया गया 2 से 11 जून 2023 के मध्य। यहीं पर यह इसका 8वां संस्करण था और अगर हम परिणामों की बात करें तो भारत ने यह पहला खिताब जीता है किसको हरा करके, दक्षिण कोरिया को, यानी कि दक्षिण कोरिया उपविजेता रहा। यहीं पर अगर हम व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो राइजिंग स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अंजलि बरवा भारत की रही हैं। अगर हम अगले बिंदुओं की चर्चा करते हैं तो 10वां पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 की अगर बात करें तो इसका आयोजन सलालाह ओमान में किया गया 23 मई से लेकर के 1 जून 2023 के मध्य। यहीं पर अगर हम परिणामों की चर्चा करते हैं तो विजेता फिर भारत रहा है, रिकॉर्ड 4th खिताब रहा है भारत का और उपविजेता पाकिस्तान रहा है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम 10वां पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के संदर्भ में व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर चर्चा करें तो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अब्दुल शाहिद रहा जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी है और यहीं पर टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मोहित होन्ने नाहल्ली शशि कुमार रहे जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। अब जरा सा हम इसके आगे इसी पृष्ठ के सेकंड हाफ में भी कुछ बातों को देख सकते हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं फुटबॉल। अब फुटबॉल को लेकर के भी क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। जैसे फीफा क्लब विश्व कप 2023 की चर्चा की गई, इसका आयोजन जेद्दा सऊदी अरब में 12 से 22 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। परिणाम क्या रहा, विजेता मैनचेस्टर सिटी रहा जो इसका पहला खिताब था और उपविजेता फ्लुमिनेंस एफसी रहे। यहीं पर अगर हम पुरस्कारों पर एक दृष्टि डालें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो कि गोल्डन बॉल मिला वे रहे रोड्री, मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी रहे। यहीं पर फीफा फेयर प्ले अवार्ड अल इत्तिहाद एफसी को मिला जो कि सऊदी अरब के खिलाड़ी रहे। अब अगला आपको शीर्षक दिखता है, अगला शीर्षक है आपका मर्डेका कप 2023 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया 13 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य। परिणाम ताजिकिस्तान विजेता रहा, पहला खिताब रहा इसका और इसने हराया किसको, मलेशिया को, यानी मलेशिया उपविजेता रहा। इसका आयोजन मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, मर्डेका कप 2023 का। अच्छा अब जरा यहीं पर हम देख सकते हैं अगला शीर्षक हमें क्या बताता है, सैफ यानी SAFF सैफ
पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 की क्या मुख्य बातें हैं, जैसे कि इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया 21 से 30 सितंबर 2023 के मध्य किया गया और इसका परिणाम क्या रहा, विजेता भारत रहा और उपविजेता पाकिस्तान रहा। यहीं पर हम अगला भी शीर्षक पाते हैं, क्लाइमेट कप 2023 क्या कहता है, आयोजन लेह लद्दाख में किया गया 1 से 7 सितंबर 2023 के मध्य किया गया, यह इसका पहला संस्करण था। तो जितने भी खेलों के पहले संस्करण हैं निश्चित रूप से ये परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु बन जाते हैं। यहीं पर हम परिणाम देखते हैं, क्लाइमेट कप 2023 का विजेता दिल्ली एफसी रहा और उपविजेता तिब्बत नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन रहा है। यहीं पर यह भारत का पहला शून्य पॉलिथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट रहा है, यानी ये इसकी एक ग्लोबल थीम भी रही है। यहीं पर हम देख सकते हैं अगला बिंदु भी हमें दिख जाएगा, 132वां डूरंड कप 2023 ये क्या महत्वपूर्ण बिंदु रखता है, जैसे कि आयोजन इसका कोलकाता गुवाहाटी और कोकराझार में हुआ 3 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर 2023 के मध्य और यह इसका 132वां संस्करण है, काफी पुराना गेम है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम अगले पृष्ठ पर जाते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं अगले पृष्ठ के फर्स्ट हाफ में यह जो हमने कप देखा इसके परिणाम क्या रहे, विजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स रहा, यहीं पर उपविजेता ईस्ट बंगाल एफसी रहा, यानी ईस्ट विजेता ईस्ट बंगाल एफसी को हरा करके मोहन बागान सुपर जायंट्स विजेता रहा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर चर्चा करें तो गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है और यह मिला है नंद कुमार शेखर को जो ईस्ट बंगाल एफसी के प्लेयर हैं। यहीं पर हम अगले शीर्षक को देख पा रहे हैं, किंग्स कप 2023 इसका आयोजन थाईलैंड में 7 से 10 सितंबर 2023 को किया गया, परिणाम इसका विजेता इराक रहा और उपविजेता थाईलैंड रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं अगले बिंदु को, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 यानी 16 वर्ष के नीचे रहने वाले प्लेयर्स का यह आयोजन है। तो सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भूटान में किया गया 2 से 10 सितंबर 2023 को। यहीं पर सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, यानी यहां पर देख सकते हैं सैफ का फुल फॉर्म भी यहां पर दिया गया है, SAFF यानी कि दक्षिण एशियाई यानी कि साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन सैफ। अब इसका परिणाम क्या रहा, विजेता भारत रहा, उपविजेता बांग्लादेश रहा। यहीं पर फीफा महिला विश्व कप 2023 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ 20 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त 2023 के मध्य, परिणाम रहा कि स्पेन महिला का यह पहला खिताब बना और इसने विजय भी हासिल की, किसको हरा करके, इंग्लैंड महिला को हरा करके, तो इंग्लैंड महिला इसकी उपविजेता रही। अगर व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिला जो कि एटाना बोनमाटी स्पेन की खिलाड़ी रही। यहीं पर गोल्डन बूट सर्वश्रेष्ठ गोल सर्वाधिक गोल करने वाले प्लेयर को मिलता है और ये रही है हिनाता मियाजावा जापान की रही, इन्होंने 5 किया है। यहीं पर गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार भी मिला जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को मिलता है और ये रही हैं मैरी अर्प्स जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी रही हैं। अब जरा हम बात करते हैं 14वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 की, तो आयोजन इसका श्री कांतीरवा स्टेडियम बंगलुरु कर्नाटक में हुआ 21 जून से 4 जुलाई 2023 के मध्य, परिणाम रहा कि भारत इसमें विजेता रहा, रिकॉर्ड 9वां खिताब रहा भारत का और इसने हराया किसको, कुवैत को, तो कुवैत क्या रहा, उपविजेता रहा। यहीं पर अगर हम व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी यानी गोल्डन बॉल सुनील छेत्री को प्राप्त हुआ जो कि भारत के खिलाड़ी रहे और सर्वाधिक गोल यानी गोल्डन बूट
प्राप्त हुआ, सुनील छेत्री को ही फिर से प्राप्त हुआ। ये भी भारत के खिलाड़ी रहे और इन्होंने 5 गोल किया। अब हम अगले शीर्षक की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये बताता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 से जुड़ी क्या मुख्य बातें हैं। यहीं पर इसका आयोजन हुआ कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में 9 से 18 जून 2023 को। परिणाम क्या रहा? भारत विजेता रहा, भारत का यह दूसरा खिताब रहा, भारत ने पराजित किया लेबनान को और लेबनान उपविजेता रहा। अब जरा इसी में हम इसी पृष्ठ के दूसरे हाफ की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर भी आपको कई सारे फुटबॉल से जुड़े हुए पुरस्कारों की श्रृंखला मिल जाती है। जैसे व्यक्तिगत पुरस्कारों की ही बात करें अगर हम तो हीरो ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? संदेश झिंगन भारत के। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं UEFA चैंपियंस लीग 2022-23 की। आयोजन कहां पर हुआ? 6 सितंबर 2022 को हुआ, 10 जून 2023 के मध्य हुआ, ठीक है। फाइनल मैच इस्तांबुल तुर्की में 10 जून 2023 को। और परिणाम क्या रहा कि विजेता मैनचेस्टर सिटी, पहले खिताब इसका था, मैनचेस्टर सिटी विजेता रहा। UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 के अंतर्गत इसका आयोजन नीदरलैंड्स में 14 से 18 जून 2023 के मध्य हुआ और परिणाम में स्पेन इसका विजेता रहा और यह स्पेन का पहला खिताब रहा। इसी तरह हम यहां देख सकते हैं 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 है, ठीक है। तो यहां पर आपको कई सारे आयोजन मिल जाते हैं। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं भारतीय महिला लीग IWL 2023 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में 26 अप्रैल से लेकर के 21 मई 2023 तक के मध्य हुआ और परिणाम इसमें रहा विजेता गोकुलम केरल की टीम रही, महिला की टीम, जो कि लगातार तीसरा खिताब रहा इसका, और उपविजेता किक स्टार्ट FC कर्नाटक महिला की टीम रही है। यहीं पर हम देख सकते हैं व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर चर्चा करें तो हीरो ऑफ द लीग इंदुमती काथिरेशन गोकुलम केरल की प्लेयर रही, ये रही है। और सर्वाधिक गोल का जो पुरस्कार मिला वो सबित्रा भंडारी को मिला जो गोकुलम केरल की ही प्लेयर हैं और इन्होंने 29 गोल किए हुए हैं। तो AIFF सुपर कप 2023 की अगर हम चर्चा करें तो इसका आयोजन कोझिकोड और मंजेरी केरल में 3 से 25 अप्रैल 2023 के मध्य हुआ था। परिणाम इसका रहा विजेता ओडिशा FC रही जो कि इसका पहला खिताब था। यहीं पर उप विजेता बंगलुरु FC रही, ठीक है। यहीं पर हम लोग कई सारे और भी चीजों को देख पा रहे हैं। अगर हम अगले पृष्ठों पर कुछ मुख्य बातों की चर्चा करें तो यहां पर हम देख सकते हैं आई लीग 2022-23 यहां पर हम देख सकते हैं भारत में 12 नवंबर 2022 से लेकर के 12 मार्च 2023 के मध्य आयोजन हुआ और इसका परिणाम रहा कि राउंड ग्लास पंजाबी FC विजेता के रूप में रही। और व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर चर्चा करें तो हीरो ऑफ द लीग लूका माजसेन रहा जो कि राउंड ग्लास पंजाब FC का एक प्लेयर है। यहीं पर हम देख सकते हैं संतोष ट्रॉफी काफी चर्चा में रहा है। तो संतोष ट्रॉफी 2022-23 की क्या स्थितियां हैं जो परीक्षा का प्रश्न का रूप ले सकती हैं? इसका आयोजन भारत में हुआ, ग्रुप स्टेज और फाइनल राउंड ये भारत में हुआ। यहीं पर सऊदी अरब में नॉकआउट्स का आयोजन किया गया और जो कि 23 दिसंबर 2022 से लेकर के 4 मार्च 2023 के मध्य किया गया। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का जो संस्करण था वह 76वां संस्करण था, यानी 76वीं बार इस प्ले का आयोजन किया गया। यहीं पर अगर हम परिणामों की चर्चा कर लें तो विजेता कर्नाटक की टीम रही जो कि 5वां खिताब था इसका। यहीं पर अगर हम उपविजेता की बात करते हैं तो उपविजेता कौन रहा? मेघालय रहा, ठीक है। यहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हैं द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 की चर्चा करें तो हम पाएंगे 27 फरवरी 2023 को पेरिस फ्रांस में इस अवार्ड की घोषणा की गई। अब जरा प्रदत्त पुरस्कारों की अगर हम चर्चा करते हैं एक
चार्ट के माध्यम से। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला किसको, लियोनेल मेसी को, जो किस टीम के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के। यहीं पर हम देख सकते हैं फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया, एलेक्सिया पुतेलास को, जो कि स्पेन की महिला खिलाड़ी हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं बैडमिंटन से जुड़ी हुई कुछ बातों को भी यहां पर कुछ उससे जुड़े जो भी चैंपियनशिप्स रहे हैं उनकी भी चर्चा यहां पर करना आवश्यक है। जैसे कि 50वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया 18 से 24 दिसंबर 2023 के मध्य। अब अगर जरा परिणामों पर एक दृष्टि डालते हैं तो पुरुष एकल में विजेता चिराग सेन रहे और उप विजेता एम थारून रहे। यहीं पर महिला एकल में विजेता अनमोल खर्ब रहे और उप विजेता तन्वी शर्मा रही। यहीं पर अगर हम देखते हैं अगला कप BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 का जो मुकाबला था, इसका आयोजन हांगझाऊ चीन में 13 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। परिणाम क्या रहा, पुरुष एकल विजेता विक्टर एक्सेल सेन डेनमार्क के खिलाड़ी रहे और महिला एकल में विजेता ताई जू यिंग चीनी ताइपे की खिलाड़ी रही। यहीं पर हम देखते हैं BWF बैडमिंटन अवार्ड्स 2023 की अगर हम बात करें तो आयोजन हांगझाऊ चीन में 11 दिसंबर 2023 को हुआ, ठीक है। अब जरा सा यहीं पर आप देख सकते हैं इसके सेकेंड हाफ में भी कुछ बातों की चर्चा की गई है। जैसे कि हम यहां पर ये देख सकते हैं, आप यहां पर विजेता वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सियो सेउंग जे दक्षिण कोरिया रहा। यही वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी आन से योंग दक्षिण कोरिया की रही। यहीं पर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी चेन किंग चेन और जिया यीफान दोनों चीन की ही रही, जो कि महिला युगल के रूप में खिलाड़ी रहे। तो यहां पर ऐसे ही कई और सारे तथ्यों को आप देख सकते हैं। जैसे आबू धाबी मास्टर्स कप 2023 का आयोजन आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 17 से 22 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। यहां पर महिला एकल की विजेता उन्नति हुड्डा भारत की रही, महत्वपूर्ण तथ्य है, और उप विजेता इमाद फारूकी सामिया ये भी भारत की ही रही है, ठीक है। यहीं पर हम देख सकते हैं महिला युगल की अगर बात करें तो विजेता तनीषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा दोनों भारत की रही हैं और उप विजेता जूली फिन इपसेन और माई सूरो दोनों डेनमार्क की रही, ये उप विजेता रही। अब जरा यहीं पर हम देख सकते हैं इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 2023 के भी तथ्य आपको बिल्कुल आसानी से यहां पर दिख सकता है। किरण जॉर्ज भारत की इस प्रतियोगिता की विजेता रही हैं और यहां पर इसी तरीके से BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 की भी बातें हैं। तो कुछ ऐसे जितने भी आयोजन हुए हैं सबका यहां पर आपको एक ब्यौरा मिल जाता है, ठीक है। इसी के आगे अब अगर हम बढ़ते हैं अगले पृष्ठों पर तो यहां पर हम देख सकते हैं BWF से ही जुड़े हुए कई सारे बिंदुओं पर यहां पर चर्चा की गई है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं, पर एक दृष्टि आप पुस्तकों के माध्यम से भी इसे देख करके अवश्य जाएं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के क्या मुख्य बिंदु हैं। इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में किया गया 14 से 19 मार्च 2023 के मध्य किया गया। परिणाम पुरुष एकल का विजेता ली शीफेंग रहा, जो कि चीन का खिलाड़ी है, और महिला एकल की विजेता आन से यंग रही, जो कि दक्षिण कोरिया की महिला खिलाड़ी रही हैं। यहीं पर पुरुष युगल की बात करें तो फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियांतो रहे हैं, ये दोनों ही इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। और महिला युगल विजेता की बात करें तो किम सो योंग और कोंग ही योंग दोनों दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर देखिए टेबल टेनिस से जुड़ी हुई भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे WTT फाइनल्स पुरुष 2023 का जो आयोजन हुआ वह दोहा कतर में 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य हुआ, यानी बहुत ही लेटेस्ट आयोजन है। और इसका परिणाम क्या रहा, पुरुष एकल विजेता वांग चुकिन
चीन का रहा, ठीक है। यहीं पर हम देख सकते हैं उपविजेता ये भी चीन के ही रहे हैं, ठीक है। यहीं पर देखिएगा 85वां राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि 85वां राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया, 16 से 22 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। परिणाम पुरुष एकल का विजेता हरमीत राजुल देसाई रहे हैं, पीएसपीबी के प्लेयर रहे। और यहीं पर हम देख सकते हैं अगले पृष्ठ के प्रथम भाग में उपविजेता जी साथियान रहे हैं पीएसपीबी के ही। अब यहीं पर आप देख सकते हैं महिला एकल में विजेता पोयमंती बैस रही हैं और उपविजेता अयहिका मुखर्जी। तो यहां पर भी आपको कई चीजें मिल जाती हैं। WTT फाइनल्स महिला 2023 की क्या मुख्य बातें हैं, जैसे कि आयोजन नागोया जापान में 15 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया, ठीक है। यहीं पर परिणाम क्या रहा, विजेता सुन यिंगसा चीन की रही और उपविजेता भी चीन की रही है, ठीक है। तो यहां पर इन सब चीजों को हम देखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल से संबंधित क्या महत्वपूर्ण खेल आयोजन हुए हैं, जैसे 71वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष और महिला 2023 का आयोजन गुवाहाटी असम में 2 से 9 फरवरी 2023 को हुआ। अब जरा सा यहीं पर हम देख सकते हैं इसके सेकंड हाफ में वॉलीबॉल से संबंधित इसके परिणाम क्या रहे। देखिए पुरुष चैंपियनशिप विजेता राजस्थान, परिणाम महिला चैंपियनशिप विजेता केरल। अब जरा सा यहां पर देखिएगा रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 2 2023 का आयोजन बंगलुरु और हैदराबाद में फाइनल कोची में किया गया 4 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य। यहीं पर हम देख सकते हैं परिणाम विजेता अहमदाबाद डिफेंडर्स रहे और उपविजेता बंगलुरु टारपीडोज रहे। अब अगर बातें आती हैं शतरंज की, तो शतरंज के लिए FIDE विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2023 के क्या मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में 25 से 30 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। परिणाम इसका ओपन ब्लिट्ज विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे, जिसका कि 7वां खिताब था। यहीं पर उप विजेता डैनियल दुबोव रूस का रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं ओपन रैपिड विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का रहा और 5वां खिताब ही रहा इसका। यहीं पर उप विजेता व्लादिमीर फेडोसीव स्लोवेनिया का रहा, जो उप विजेता के रूप में जाना गया। तो यहां पर कुछ चीजों को देखते हुए हम अगले पृष्ठों पर आते हैं और यहां पर और भी कई सारे आयोजन को इस पुस्तक में दिखाया गया है। टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और ब्लिट्ज 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2023 के मध्य। यहीं पर हम लोग देखते हैं 60वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, पुणे महाराष्ट्र में 16 से 26 अगस्त 2023 के मध्य। यहीं पर हम देख सकते हैं FIDE शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ, 29 जुलाई से 24 अगस्त 2023 के मध्य। परिणाम भी आपको इसमें मिल जाते हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का आयोजन दुबई यूएई में 22 जून से 2 जुलाई 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर हम पाते हैं यहां पर व्यक्तिगत पुरस्कारों की भी चर्चा की गई है। यहीं पर देख सकते हैं 23वां दुबई ओपन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, दुबई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में 27 मई से 4 जून 2023 के मध्य। यहां पर परिणाम के रूप में आप देख सकते हैं कि 23वां दुबई ओपन 2023 का विजेता अरविंद चिदंबरम रहे, जो कि भारत के खिलाड़ी थे। यहीं पर हम पाते हैं इसके सेकेंड हाफ में देखते हैं क्या चीजें दी गई हैं।
यहीं पर हम देख सकते हैं छठवां शारजाह मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय 2023 का आयोजन शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में 17 से 25 मई 2023 को हुआ। अब इसी में हम देख सकते हैं फार्मूला वन जो रेसिंग गेम है, यहां पर देख सकते हैं फार्मूला वन 2023 का से जुड़े क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत 22 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन संपन्न हुआ मार्च से नवंबर 2023 के बीच में। यहीं पर विजेता मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड का खिलाड़ी और रेड बुल रेसिंग होंडा, ठीक है, ये विजेता रहे हैं। यहीं पर मैक्स वर्स्टापेन ने कुल 22 में से 19 ग्रैंड प्रिक्स में विजय प्राप्त की। अब जरा बात करते हैं एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स के बारे में अगर हम देखें तो 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की अगर बात करें तो इसका आयोजन श्री कांतिरावा स्टेडियम बंगलुरु में किया गया 11 से 15 अक्टूबर 2023 के मध्य। अगर परिणामों की चर्चा करें तो ओवरऑल चैंपियन रेलवे रहा और पुरुष चैंपियन सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी SSCB रहा, ठीक है। यहीं पर महिला चैंपियन भी रेलवे रहा। अगर अब अगले आयोजन डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 की बात करें तो आयोजन यूजीन अमेरिका में 16 से 17 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। इसके महत्वपूर्ण परिणाम भाला फेंक पुरुष, ठीक है, और यहां पर विजेता जैकब वार्डलेच रहे चेक गणराज्य के, 84.24 मीटर भाला फेंका। उप विजेता नीरज चोपड़ा भारत के रहे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहां पर डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 के भाला फेंक में उप विजेता नीरज चोपड़ा भारत के रहे, जिन्होंने 83.80 मीटर भाला फेंका। यहीं पर हम देख सकते हैं पोल वॉल्ट पुरुष के मुकाबले में विजेता आर्मंड डुप्लांटिस स्वीडन के खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 6.23 मीटर का भाला फेंका। अच्छा, यहीं पर हम देख सकते हैं कई सारे चीजों के साथ पुरुष 100 मीटर रेस की भी बातें हैं। यहां पर देखिएगा विजेता क्रिस्टियन कोलमैन अमेरिका के 9.83 सेकेंड्स में इन्होंने ये चीज पूरी की रेस को। महिला 100 मीटर रेस की विजेता शेरिका जैक्सन रही, जो कि जमैका की हैं, इन्होंने 10.70 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की। यहीं पर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की अगर बात करें तो इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में 12 से 16 जुलाई 2023 के मध्य किया गया और इसका शुभंकर रहा हनुमान, ठीक है। तो हनुमान रहे इसका शुभंकर, किसके, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला संस्करण गुमी दक्षिण कोरिया में होगा वर्ष 2025 में। चलिए अगले पृष्ठ की तरफ अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो पाएंगे कि यहां पर तालिकाबद्ध तरीके से भी पदकों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि पहले पायदान पर जापान, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत रहा है। इनके स्वर्ण रजत कांस्य की क्या ब्यौरे हैं वो भी आपको इसी तालिका में मिल जाता है। इसी में आप देख सकते हैं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 की क्या स्थिति है। आयोजन पेरिस फ्रांस में 8 से 17 जुलाई 2023 के मध्य हुआ और यह 10वां संस्करण था, ठीक है। यहीं पर हम देख सकते हैं पदक तालिका में शीर्ष तीन और भारत की क्या स्थिति रही है। तो पहले पायदान पर चीन रहा है 16 स्वर्ण 16 रजत और 13 कांस्य और कुल 45 पदकों के साथ पहले पायदान पर। यहीं पर 14 स्वर्ण 13 रजत 20 कांस्य के साथ 47 पदकों के साथ ब्राजील दूसरे पायदान पर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पायदान पर और भारत की जो स्थिति है वह 3 स्वर्ण 4 रजत 3 कांस्य कुल 10 पदकों के साथ भारत 19वें स्थान पर केंद्रित रहा है। किसमें, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत की क्या स्थिति रही है, वह 19वें पायदान पर रहा या 19वें रैंक पर रहा। इस चैंपियनशिप में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है, ठीक है, 19वें पायदान को हासिल करके। तो यहां पर हम देख सकते हैं भारतीय स्वर्ण पदक विजेता, अब स्वर्ण पदक में पुरुष भाला फेंक F16 में सुमित अंतिल
दूसरा सचिन सरजेराव खिलाड़ी पुरुष शॉट पुट में F46 और अजीत सिंह पुरुष भाला फेंक F46। तो ये कुछ विजेताओं के स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम हैं। इस चैंपियनशिप के 11वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2024 में कोबे जापान में प्रस्तावित है। ठीक है, अब जरा यहीं पर हम देख सकते हैं तीरंदाजी। अगर तीरंदाजी की बात करें तो यहां पर देखिएगा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की क्या चर्चा होती है। जैसे कि आयोजन, तो आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में 3 से 10 नवंबर 2023 के मध्य हुआ और पदक तालिका की क्या स्थिति रही है देशों की, यहां पर हम देख सकते हैं दक्षिण कोरिया पहले पायदान पर रहा है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, भारत दूसरे पायदान पर है और कजाकिस्तान तीसरे पायदान पर है। यहां पर स्वर्ण रजत और कांस्य की भी के विवरण भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2013 की क्या स्थिति, 2023 की क्या स्थिति है। यहां पर आयोजन हरमोसिलो मैक्सिको में 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य हुआ था और पदक तालिका में अगर देखा जाए तो पहले पायदान पर दक्षिण कोरिया है और दूसरे पायदान पर डेनमार्क है। ठीक है, यहीं पर अगर इसी पृष्ठ के सेकंड हाफ में आते हैं हम, अगर यहां सेकंड हाफ में देखा जाए तो तीसरे पायदान पर ब्राजील है और छठवें पायदान पर भारत है, जिसको कि कोई भी स्वर्ण प्राप्त नहीं हुआ है, एक रजत मिला है, कोई कांस्य प्राप्त नहीं हुआ है और कुल एक पदकों के साथ भारत छठवें पायदान पर है। यहीं पर भारतीय पदक विजेता कौन है, प्रथमेश समाधान जावकर हैं, कंपाउंड पुरुष रजत पदक इन्होंने रजत हासिल किया। अब जरा यहां पर ध्यान दे सकते हैं विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 की क्या स्थिति है कि आयोजन लिमरिक आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई 2023 के मध्य हुआ। अगर पदक तालिका की चर्चा करें तो यहां पर हम पाते हैं पहले रैंक पर दक्षिण कोरिया है 6 स्वर्ण 4 रजत के साथ और यहीं पर भारत दूसरे पायदान पर है 6 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य के साथ कुल 11 पदकों के साथ। यहीं पर अमेरिका कुल 10 पदकों के साथ तीसरे पायदान पर काबिज है। अब जरा यहां पर हम देख सकते हैं पार्थ सुशांत सालुंखे इस चैंपियनशिप के इतिहास के पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए हैं जिन्होंने रिकर्व श्रेणी अंडर 21 में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गया परीक्षा दृष्टि से, इसे आप अवश्य ही मस्तिष्क में बिठा लीजिए। ठीक है, अब यहीं पर जरा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं निशानेबाजी। निशानेबाजी के मामले में 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, चांगवोन दक्षिण कोरिया में 22 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के मध्य। अब निशानेबाजी के इस आयोजन की पदक तालिका पर अगर दृष्टि डालें तो पहले पायदान पर या पहले स्थान पर चीन रहा है 35 स्वर्ण 20 रजत 23 कांस्य के साथ कुल 78 पदक हासिल करके। यहीं पर भारत दूसरे पायदान पर रहा है, भारत ने कुल 59 पदक हासिल किए जिसमें से कि 21 स्वर्ण 22 रजत और 16 कांस्य पदक हैं। यहीं पर दक्षिण कोरिया तीसरे पायदान पर रहा। अब जरा हम देख सकते हैं ISSF विश्व चैंपियनशिप जूनियर 2023 में क्या मुख्य बिंदु है। जैसे कि आयोजन चांगवोन दक्षिण कोरिया में 14 से 25 जुलाई 2023 के मध्य। यहीं पर भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा और भी कुछ आयोजन है, जैसे WSPS विश्व कप ओसीजेक 2023। तो यहां पर इसके आयोजन कहां पर हुए और पदक कि क्या स्थितियां रही वो आपको यहां पर दर्शित हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के भी नाम आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसी के आगे हम बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ तो पाते हैं यहां पर कुछ और भी आयोजन दिए गए हैं, जैसे ISSF विश्व कप जूनियर राइफल पिस्टल शॉट गन सुहल 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, सुहल जर्मनी में 1 से 9 जून 2023 के मध्य। यहीं पर हम देख सकते हैं कि भारतीय जूनियर
भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। तो चूंकि भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया, इसीलिए ISSF विश्व कप जूनियर राइफल पिस्टल शॉटगन सुहल 2023 का आयोजन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं पर हम देख सकते हैं और भी पदक तालिका में, यहाँ पर एक दूसरा भी है, ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल बाकू 2023 का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ 8 से 15 मई 2023 के मध्य। और अगर पदक तालिका की बात करें तो चीन पहले पायदान पर, भारत दूसरे पायदान पर और ईरान तीसरे पायदान पर रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं कबड्डी, अब अगर कबड्डी की चर्चा करें तो यहां पर देख सकते हैं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की हम चर्चा करें तो आयोजन इसका बुसान दक्षिण कोरिया में 27 से 30 जून 2023 के मध्य हुआ। संस्करण इसका 9वां था और परिणाम क्या रहा, विजेता भारत रहा, रिकॉर्ड 8वां खिताब रहा इसका, उपविजेता ईरान रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 16 से 27 जून 2023 के मध्य किया गया और संस्करण कौन सा था, पहला संस्करण था। तो ठीक है, यहां तक की बातें हो चुकी हैं और इसी पृष्ठ के सेकेंड हाफ में अगर हम आते हैं तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पाते हैं, इस पर जरा सा हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कुश्ती को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण आयोजन हुए, जैसे कि अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2023 में क्या आयोजन इसका अम्मान जार्डन में 14 से 20 अगस्त 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर भारतीय अंडर 20 पहलवान इस विश्व चैंपियनशिप में कुल 14 पदक, 4 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य जीतने में सफल हुए। महिलाओं की टीम रैंकिंग में भारत 140 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। अब जरा यहां पर भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की अगर बात करें तो यहां पर उनके नाम भी दिए गए हैं और किस वर्ग संवर्ग में आते हैं, किस भार ग्रुप में आते हैं, वह भी उल्लेख यहां पर कर दिया गया है। यहीं पर हम देख सकते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया। ठीक है, और यहीं पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम अगले पृष्ठों पर पाते हैं, जैसे कि यहां पर अब अगर हम चर्चा करें मुक्केबाजी की, तो मुक्केबाजी का आईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में 30 अप्रैल से 14 मई 2023 के मध्य हुआ। भारतीय मुक्केबाज इस विश्व चैंपियनशिप में कुल 3 कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। तो यहां पर और भारत ने 12वां स्थान भी प्राप्त किया स्पेन के साथ संयुक्त रूप से। तो ये कुछ बातें रही और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस अंतिम पदक तालिका में क्रमशः प्रथम 3 स्थानों पर रहे। इसी के साथ हम अगला बिंदु देखते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आयोजन केडी जाधव इंडोर हॉल नई दिल्ली में मार्च 2023 में संपन्न हुआ। यहां पर भारतीय मुक्केबाजों को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी मिला। और यहीं पर हम देख सकते हैं मुख्य परिणामों में भी कुछ चीजें दी गई हैं कि एलीट महिला 45 से 48 किलोग्राम मिनिमम वेट विजेता नीतू घंघास भारत की रही। ठीक है, यहाँ पर एलीट महिला में भी विजेता निखत जरीन भारत की ही रही और एलीट महिला 70 से 75 किलोग्राम मिडल वेट में भी विजेता भारत की पहलवान रही लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुक्केबाजी का कुछ स्कोर रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं बिलियर्ड्स, स्नूकर और स्क्वैश से संबंधित कौन से आयोजन है, जैसे WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन
टौरंगा न्यूजीलैंड में 11 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। यहीं पर परिणाम इसका विजेता मिस्र रहा और उपविजेता इंग्लैंड रहा। यहीं पर आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दोहा कतर में किया गया 5 से 24 नवंबर 2023 के मध्य और परिणाम विजेता पंकज आडवाणी भारत के रहे और उपविजेता सौरभ कोठारी भी भारत के रहे। तो ये दोनों ही खिलाड़ी भारत से संबंधित रहे। यहीं पर हम देख सकते हैं 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 आयोजन चेन्नई में 17 से 23 नवंबर 2023 के मध्य। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अब इसी के हम सेकंड हाफ में आते हैं, तो यहां पर भी आपको कई सारे महत्वपूर्ण आयोजनों की चर्चा परचर्चा यहां पर मिल जाती है। और इसी में हम देखते हैं गोल्फ। अब जरा सा गोल्फ को अगर देखते हैं कि गोल्फ 2023 में चैंपियनशिप टूर्नामेंट में कौन कौन विजेता रहा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं आंदालुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन 2023 का जो टूर्नामेंट हुआ उसके विजेता भारत के अदिति अशोक रहे। यहीं पर राइडर कप 2023 में टीम यूरोप विजेता रही। तो यहां पर कुछ चीजें होने के साथ साथ अब हम लोग आगे भी देख सकते हैं। यहां पर एक उसी से जुड़ा हुआ, गोल्फ से जुड़ा हुआ कई और भी आयोजन हुए हैं, जैसे यूएस महिला ओपन गोल्फ 2023 का की जो विजेता है वो एलिसन कारपुज अमेरिका की। ठीक है, तो ये आपको इस सांचे में सारे के सारे जो टूर्नामेंट हैं और उनके क्या विजेता हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे 45वीं क्वीन सिरिकिट कप 2023 में भारत की विजेता रही हैं अवनी प्रशांत। तो ये बातें होने के साथ साथ हम पहुंच जाते हैं तैराकी के खेलों की तरफ। और यहाँ पर 76वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में 2 से 5 जुलाई 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर हम देख सकते हैं पदक तालिका की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पहले पायदान पर कर्नाटक रहा, दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र और तीसरा स्थान प्राप्त किया गुजरात ने। इनके स्वर्ण रजत कांस्य के ब्यौरे भी आपको चार्ट में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर भारोत्तोलन को लेकर के एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जिंजू दक्षिण कोरिया में 5 से 13 मई 2023 के मध्य किया गया। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 3 पदक हासिल किए। यहां पर भारतीय पदक विजेताओं के बारे में प्रश्न बनते रहे हैं, तो वह भी आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे बिंदिया रानी देवी सोरो खैबन, बिंदिया रानी देवी ने महिला चैंपियनशिप में निम्न 2 पदक अपने नाम किए। तो वो यहाँ पर 55 किलोग्राम के दोनों संवर्गों में कौन कौन से पदक मिले उनका उल्लेख यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब इसी पृष्ठ के अगर आप द्वितीय हाफ में आते हैं, तो यहाँ पर चर्चित खेल व्यक्तियों की भी एक सूची लगी हुई मिलेगी, जो कि महत्वपूर्ण है प्रश्न दृष्टि से या परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की दृष्टि से। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं दिलीप तिर्की संबंधित हैं, चर्चित खेल व्यक्तित्व हैं, इनसे जुड़े हुए क्या मुख्य बिंदु हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, तो यहाँ पर हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन, दिलीप तिर्की। श्री श्री विश्वविद्यालय कटक ओडिशा द्वारा उन्हें खेल विज्ञान में PhD की मानद उपाधि भी प्रदान की गई है 22 दिसंबर 2023 को। यहीं पर हम देख सकते हैं मैरी इयर्प्स। तो मैरी इयर्प्स से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे इंग्लैंड की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर हैं, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया 19 दिसंबर 2023 को, और फीफा महिला विश्व कप 2023 में मैरी इयर्प्स ने गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार हासिल किया। यहीं पर हम देख सकते हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज से संबंधित क्या मुख्य बिंदु हैं, कि पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी रहे हैं,
और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं 13 दिसंबर 2023 को। यहीं पर इस हॉल ऑफ फेम में ये पहले भारतीय सदस्य हैं ये दोनों ही। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि ली ना चीन महिला वर्ष 2019 में इस हॉल ऑफ फेम की पहली एशियाई सदस्य बनी थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं अंतिम पंगल के विषय में क्या मुख्य बिंदु है, भारतीय महिला पहलवान है कौन, अंतिम पंगल, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा उन्हें महिला वर्ग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हैं जय शाह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के सचिव हैं कौन, जय शाह। CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2023 में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया 5 दिसंबर 2023 को लोकेश सूजी के बारे में क्या मुख्य बिंदु है, भारतीय ई स्पोर्ट्स महासंघ ESFI के निदेशक तथा एशियाई ई स्पोर्ट महासंघ AESF के उपाध्यक्ष हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय ई स्पोर्ट महासंघ ने उनको 3 वर्षों के लिए अपनी सदस्यता समिति का सदस्य चुना है। यहीं पर हम देख सकते हैं यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय व्यक्ति हैं। परमजीत कुमार के बारे में क्या बातें हैं, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलेटिक बन गए हैं कौन, परमजीत कुमार। यहीं पर एक दूसरे व्यक्तित्व हैं दुती चंद से संबंधित क्या मुख्य बिंदु हैं, भारत की स्टार धाविका हैं, 100 मीटर महिला स्पर्धा की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं, डोप टेस्ट में असफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है 17 अगस्त 2023 को। तो ये कुछ यहाँ पर आपको व्यक्तित्व भी दिख गए और इसी के साथ हम लोग अगले पृष्ठ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे खेल व्यक्तित्व मिल जाते हैं जैसे कि शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, ये क्या है, एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। यहीं पर किशोर कुमार जेना और अन्नु रानी भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं। बेरूत में संपन्न लेबनान राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोनों ने क्रमशः पुरुष तथा महिला भाला फेंक स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। यहीं पर हम देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 13 जुलाई 2023 को यह कारनामा कर दिखाया। यहीं पर अपनी इस पारी के दौरान वे विदेशी धरती पर पदार्पण टेस्ट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 171 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। यह उपलब्धि उन्होंने वेस्टइंडीज के विरुद्ध श्रृंखला के पहले टेस्ट में हासिल की। पर अगले खेल व्यक्तित्व हैं सयाजुल इद्रस, मलेशियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं, एक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जुलाई 2023 में। यहीं पर अगले खेल व्यक्तित्व हैं अंशुमान झिंगरन, मुंबई महाराष्ट्र के तैराक हैं, नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे युवा तैराक बन गए हैं 17 जुलाई 2023 को। यहीं पर हम देख सकते हैं उन्होंने मात्र 18 वर्ष और 125 दिन की अवस्था में यह उपलब्धि हासिल की। अगले आपके खेल व्यक्तित्व हैं अजीत आगरकर, ये पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, पूर्व भारतीय हरफन मौला खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI द्वारा सीनियर पुरुष चैंपियन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 4 जुलाई 2023 को। यहीं पर आप देख सकते हैं आधव अर्जुन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का नया अध्यक्ष चुना गया है जुलाई 2023 को। यहीं पर अगले खेल व्यक्तित्व हैं के गोविंद राज,
फीबा FIBA इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया का अध्यक्ष चुना गया मई 2023 में। यहीं पर यह पहली बार है जब किसी भारतीय को फीबा एशिया का अध्यक्ष चुना गया, के गोविंद राज को। यहीं पर आप अगला खेल व्यक्तित्व पाते हैं शालिनी सिंह, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की महिला NCC कैडेट हैं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली NCC कैडेट बन चुकी हैं 30 मई 2023 को। अब यहीं पर इसी के साथ हम लोग अगले पृष्ठों का यदि अवलोकन करें तो अगले पेज के यहां पर हम पाते हैं अन्य चर्चित खेल व्यक्तियों के बारे में भी यहाँ पर कुछ चर्चा की गई है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं संपन्न रमेश सेलार पूरे महाराष्ट्र के तैराक पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज अंडर 21 भारतीय बन गए हैं 16 मार्च 2023 को। उन्होंने तलाई मन्नार श्रीलंका से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तैर करके पूरी की है। यहीं पर अन्य आपको चर्चित खिलाड़ियों से संबंधित सूची में अगला नाम है डी गुकेश भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर एशियाई शतरंज। एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया 2 मार्च 2023 को। यहीं पर जियानी इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के खेल प्रशासक तथा वर्तमान फीफा अध्यक्ष हैं। फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित वर्ष 2023 से 27 के लिए हुए हैं 16 मार्च 2023 को। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है ना। ये फीफा के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और 2023 से 27 के लिए पुनः चुने गए हैं। तो यहीं पर हम लोग और भी देख सकते हैं सलीमा टेटे क्या खेल व्यक्तित्व हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। एशियाई हॉकी महासंघ AHF द्वारा टेटे को 2 वर्ष 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए भारत की ओर से AHF का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहीं पर अगला व्यक्तित्व हम देख सकते हैं खेल व्यक्तित्व प्रीति मस्के भारतीय महिला साइक्लिस्ट श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3676 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन में पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। यहीं पर हम देख पा रहे हैं पीटी उषा भारत की पूर्व विख्यात धाविका रही हैं। निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष चुना गया है 10 दिसंबर 2022 को। यहीं पर पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो ये महान खेल व्यक्तित्व हैं। अब इसी के आगे हम लोग देख सकते हैं यहां पर कुछ और भी खेल व्यक्तित्व हैं, जैसे कि बेलिंडा क्लार्क क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनसे संबंधित, यह भी चर्चित खेल व्यक्तित्व रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व खिलाड़ी हैं तथा कप्तान हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बेलिंडा क्लार्क की कांस्य यानी ब्रॉन्ज प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गई। वहीं पर वह पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है। यहीं पर हम लोग कुछ और भी बिंदुओं की चर्चा करते हैं, जैसे कि अगर हम विविध के क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पहला बिंदु है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। इसे प्रदान किया गया चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के क्षेत्र में, सात्विक
सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को भी बैडमिंटन के क्षेत्र में। यहीं पर अर्जुन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसके कि महत्वपूर्ण विजेता हैं मोहम्मद समी क्रिकेट क्षेत्र से, आर वैशाली शतरंज से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, दीक्षा डागर गोल्फ से, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से, यहीं पर नसरीन खो खो से, हरिंदर पाल सिंह संधु स्क्वैश से और अयहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से। यहीं पर हम देखते हैं अगले खेल व्यक्तित्व हैं मौलाना अबुल कला, सॉरी यहां पर जो हम लोगों का ये चल रहा है विविध के अंतर्गत, यहां पर हम देख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी 2023 समग्र विजेता गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। यहीं पर FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2023 19 दिसंबर 2023 को प्रदान किया गया, जिसके कि विजेता रहे हैं FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष संदर्भ में हार्दिक सिंह भारत के, और महिलाओं के संदर्भ में जैन दे वार्ड नीदरलैंड से। यहीं पर FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में पुरुष वर्ग से पिरमिन ब्लैक नीदरलैंड को चुना गया है। यहीं पर महिला वर्ग से सविता जो कि भारत की है इन्हें चुना गया है। यहीं पर FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में पुरुष संवर्ग से आंद्रे हेनिंग को चुना गया है जो कि जर्मनी के हैं, और यहीं पर महिला वर्ग में एलिसन अन्नास को चुना गया जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंपायर के रूप में पुरुष संवर्ग में बेन गॉन्टजेन जर्मनी से हैं, इनको चुना गया है, और महिला संवर्ग में त्रिनिडाड और टोबैगो से आयाना मैकलीन को चुना गया है। अब इसी पृष्ठ के सेकेंड हाफ में अगर हम आते हैं तो यहां पर भी हम कुछ बिंदुओं को देखते हैं, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में पुरुष वर्ग से गास्पार्ड जेवियर को चुना गया, ये फ्रांस के हैं, और महिला वर्ग से टेरेसा लीमा को चुना गया जो कि स्पेन से हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। संस्करण यह पहला था, खेल 7 पैरा खेल थे और शुभंकर क्या था, उज्ज्वला, एक गौरैया का नाम है उज्ज्वला, तो वह शुभंकर के रूप में चुना गया, और आधिकारिक गीत क्या था, चल खेल, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम पदक तालिका में भी देख सकते हैं विजेताओं की स्थिति, जैसे कि हरियाणा पहले पायदान पर रहा या पहले स्थान पर रहा 40 स्वर्ण के साथ, यहीं पर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा जिसने कि 25 स्वर्ण 23 रजत 14 कांस्य के साथ कुल 62 पदक प्राप्त किए। यहीं पर तमिलनाडु तीसरे पायदान पर रहा जिसने कि 20 स्वर्ण 8 रजत 14 कांस्य के साथ कुल 42 पदकों को बटोरा। अब हम देख सकते हैं अगला हमें शीर्षक मिल जाएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2023 का आयोजन मोनाको में 11 दिसंबर 2023 को किया गया। विजेता कौन थे, वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023। तो यहां पर आप देखिए सभी के नाम महिला पुरुष सभी संवर्ग में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग यहां पर अगले पृष्ठ पर अगर अवलोकन करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 73वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन लुधियाना पंजाब में किया गया 3 से 10 दिसंबर 2023 के मध्य, जिसके कि परिणाम क्या रहे कि पुरुष बास्केटबॉल में विजेता तमिलनाडु रहा और उप विजेता भारतीय रेलवे रहा। यहीं पर महिला बास्केटबॉल के संदर्भ में विजेता भारतीय रेलवे रहा और उप विजेता केरल रहा। इसी के साथ हम देख सकते हैं 35वां फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन काटा बीच फुकेट थाईलैंड में 4 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। भारत की आनंदी चंदावरकर ने लगातार दूसरे वर्ष इस प्रतिष्ठित नौकायन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ये नौकायन यानी नौका के क्षेत्र में दिया जाने वाला
या आयोजित होने वाला प्रतियोगिता है। यहीं पर हम देख सकते हैं उन्होंने यह स्वर्ण पदक ओपन स्किफ श्रेणी में हासिल किया। अब हम देखेंगे आईओसी ओलंपिक कप 2023 का आयोजन ओलंपिक संग्रहालय लुसाने स्विट्जरलैंड में 15 नवंबर 2023 को किया गया। यहीं पर देखिए कुछ और भी बिंदु इनसे जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। यहीं पर आप देख सकते हैं 67वें बैलोन डी ओर पुरस्कार 2023 का आयोजन पेरिस फ्रांस में 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। खेल क्या है? फुटबॉल का है। विजेता कौन है? बैलोन डी ओर, ठीक है। तो यहां पर आपको महिला और पुरुष दोनों के आपको ट्रॉफी के संदर्भ में बातें मिल जाती हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं अगला विश्व कप रग्बी, रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में 8 सितंबर से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। यहीं पर हम देख सकते हैं कि रग्बी विश्व कप में विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। रिकॉर्ड चौथा खिताब रहा इसका, यानी चौथी बार इसने जीता, और उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। यहीं पर दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी बार वेव एलिस कप जीतने में सफल रही। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु जो आप पुस्तकों में भी जा करके अवलोकन कर सकते हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं इसी पृष्ठ के सेकंड हाफ में भी कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र, तो यहां पर आयोजन मुंबई भारत में 15 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ था। यह दूसरा अवसर है जब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का सत्र भारत में आयोजित किया गया। इससे पहले वर्ष 1983 में आईओसी का 86वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1983 के बाद अब जाकर के 2023 में दूसरी बार आईओसी का यहां पे सत्र आयोजित किया जा रहा है मुंबई भारत में, ठीक है ना। तो यह परीक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता। यहीं पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईओसी के 141वें सत्र का शुभारंभ किया। आईओसी के 141वें सत्र में लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों के अतिरिक्त खेल यानी एडिशनल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। यहीं पर हम देख पाते हैं कि ये खेल T20 क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस हैं। यहीं पर देख सकते हैं एक बिंदु के रूप में फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश ओलंपिक खेलों का हिस्सा पहली बार बनेगा। यहीं पर आईओसी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023, यह पुरस्कार निम्न तीन श्रेणियों में प्रदान किए गए सतत यात्रा पुरस्कार, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ बहुत सारी बातें दी गई हैं जो आपको एक बार पुस्तकों से निश्चित रूप से अवलोकन भी कर लेना चाहिए। यहीं पर हम देख सकते हैं आपको मिल जाएगा ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023 का आयोजन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 24 सितंबर 2023 को किया गया। अब चूंकि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की महती परीक्षाओं में भी यह बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्नों को लेकर के। यहीं पर हम देख सकते हैं टाइटल प्रायोजक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका प्रायोजक रहा है। और यहीं पर परिणाम की अगर हम चर्चा करें तो विजेता मार्को बेजेच्ची इटली के रहे हैं, टीम मूनी वीआर 46 रेसिंग। और यह भारत में आयोजित होने वाली पहली मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स है। अब यहीं पर हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 23 वर्ष बाद डेविस कप मैच, तो यहां पर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 23 वर्ष पश्चात डेविस कप मुकाबले का आयोजन लखनऊ में किया गया 16 से 17 सितंबर 2023 को। विश्व ग्रुप सेकंड के इस मुकाबले में भारत ने मोरक्को को 4-1 से पराजित किया। यहीं पर हम देख सकते हैं बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की बातें अगर करें तो इसका आयोजन फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। अब इसी में हम जरा अगले पृष्ठों पर जाएं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर कई सारे आयोजन और भी हैं, जैसे कि
IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 का आयोजन दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए। इन खेलों का आयोजन बर्मिंघम यूके में 14 से 27 अगस्त 2023 के मध्य किया गया था। ठीक है ना, यहीं पर हम देख सकते हैं इसके परिणामों को दिखाते हुए। यहाँ पर देखिए दृष्टिबाधित पुरुष क्रिकेट का जो आयोजन हुआ था इसी के संदर्भ में, तो विजेता पाकिस्तान रहा और उपविजेता भारत रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ग्रीष्मकालीन गेम्स, इसमें हम देखते हैं आयोजन चेंगदू चीन में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 के मध्य हुआ और संस्करण 31वां था। शासकीय निकाय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंग्रह, इसका पहला संस्करण वर्ष 1959 में आयोजित किया गया था। अब अगर पदक तालिका के शीर्ष तीन और भारत की स्थिति को देखें तो हम पाते हैं पहले स्थान पर चीन रहा है 103 स्वर्ण के साथ, यहीं पर जापान दूसरे पायदान पर रहा है 21 स्वर्ण और बाकी पदकों के साथ, यहीं पर दक्षिण कोरिया 17 स्वर्ण और बाकी पदकों के साथ तीसरे पायदान पर है, और भारत 11 स्वर्ण 5 रजत 10 कांस्य और कुल 26 पदकों के साथ भारत सातवें पायदान पर रहा है। ठीक है, तो ये पदक तालिका में भारत और विश्व शेष विश्व की स्थिति रही। यहीं पर हम देख सकते हैं कि इन खेलों के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब जरा अगले शीर्षक पर हम ध्यान केंद्रित करें तो पाएंगे 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2023 का आयोजन पुन्नमदा झील अलाप्पुझा केरल में हुआ था 12 अगस्त 2023 को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को यह आयोजन किया जाता है। शुभंकर क्या था, नौकायन करता एक नन्हा हाथी। अब यहीं पर हम देख सकते हैं परिणामों के बारे में भी दिया गया है। यहीं पर देख सकते हैं टूर दी फ्रांस 2023 की अगर हम बात करें तो आयोजन फ्रांस में 1 से 23 जुलाई 2023 के मध्य हुआ, यहीं पर संस्करण 110वां था। यहीं पर परिणाम की भी बात करें तो आपको यहां पर चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं। अब अगर इसी पृष्ठ के हम सेकंड हाफ में आए तो जरा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी कई सारी चीजें दी गई हैं। तो जैसे यहां पर AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-23 में विजेता, ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से सभी के नाम किस किस संवर्ग के खिलाड़ी हैं वो आपको यहां पर मिल जाता है। यहीं आप देख सकते हैं ताइक्वांडो प्रीमियर लीग सीजन 1-2023 का आयोजन नई दिल्ली में 22 से 26 जून 2023 के मध्य किया गया था, और परिणाम में भी आप देख सकते हैं राजस्थान रिबेल्स विजेता रहा था। ठीक है, यहीं पर आप दूसरा देख सकते हैं प्रीमियर हैंडबॉल लीग सीजन 1-2023 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया 8 से 25 जून 2023 के मध्य, और परिणाम में महाराष्ट्र आयरन मैन ये विजेता रहे। यहीं पर अब व्यक्तिगत पुरस्कारों के बारे में आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सुखवीर सिंह बरार गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश रहे। यहीं पर आप देख सकते हैं कई सारी चीजों के साथ आप देखिएगा जनजातीय खेल महोत्सव 2023 ये महत्वपूर्ण बिंदु होगा परीक्षा को लेकर के, कि जिसका की आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार खेल एवं युवा सेवा विभाग ओडिशा कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर ओडिशा एवं KIIT द्वारा 9 से 12 जून 2023 के मध्य संयुक्त रूप से किया गया। यानी कई सारे विभाग और मंत्रालय इसके लिए उत्तरदायी रहे जनजातीय खेल महोत्सव 2023 के लिए। अगर हम इसकी और चर्चा करें तो यह इसका प्रथम संस्करण था, यानी पहली बार इस खेल का आयोजन किया गया। शुभंकर था भीमा, शुभंकर क्या था यहां पर ध्यान दीजिएगा, जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का शुभंकर क्या है भीमा, और यहीं पर आप देख सकते हैं एथलीट लगभग 5000 जनजातीय एथलीटों ने इसमें भाग लिया। यहीं पर आप देख सकते हैं ओडिशा ने इन खेलों की तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया, तो प्रथम स्थान पर पे कौन रहा, ओडिशा रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं अगला भी हमें बिंदु मिल जाता है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड कप 2023
में क्या इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में 17 से 25 जून 2023 के मध्य हुआ। यहीं पर एथलीट लगभग 190 देशों के 6,500 बौद्धिक रूप से असक्षम एथलीटों ने इसमें भाग लिया और शुभंकर क्या था, यूनिटी इसका शुभंकर था, किसका, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 का। यहीं पर इस स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था, एक साथ अपराजेय, ठीक है, यानी अनबीटेबल टुगेदर या एक साथ अपराजेय इसका आदर्श वाक्य था। अच्छा, इसी में हम पाते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि जैसे बौद्धिक रूप से असक्षम लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से वर्ष 1968 में इन खेलों की शुरुआत की गई थी। इन खेलों में पदक तालिका नहीं बनाई जाती, तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब जरा यहां पर हम लोग अगले पृष्ठ की तरफ आते हैं। यहां पर भी हम देख सकते हैं कई सारी बातें यहां पर दी गई हैं, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं फीफा 3x3 विश्व कप 2023 का आयोजन वियना ऑस्ट्रिया में 30 मई से 4 जून 2023 के मध्य किया गया। अब इसके विजेताओं उपविजेताओं की भी चर्चा यहां पर मिल जाएगी और पदक तालिका में आकर के हम देखते हैं तो वियतनाम पहले पायदान पर रहा 136 स्वर्ण और बाकी पदकों के साथ। यहीं पर थाईलैंड 108 स्वर्ण और बाकी पदकों के साथ दूसरे पायदान पर रहा और इंडोनेशिया 87 स्वर्ण और बाकी पदकों के साथ तीसरे पायदान पर रहा या तीसरे स्थान पर रहा। यहीं पर हम देख सकते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का पहला बिंदु क्या कहता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना फुटबॉल को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसमें और भी कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शैली एन फ्रेजर प्राइज जमैका एथलेटिक्स की धाविका है, इनको प्रदान किया गया है। तो यहां पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी में आप पाते हैं विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023 विश्व में खेलों से संबंधित सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का 160वां संस्करण प्रकाशित किया गया, कब, अप्रैल 2023 में, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ते जाते हैं तो यहां पर कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम देख पाते हैं, जैसे विजडन 2023 में विश्व के अग्रणी T20 क्रिकेटर कौन हुए, सूर्य कुमार यादव भारत के, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत सारी चर्चाओं के ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर इसके सेकंड हाफ में जाते हैं तो यहां पर भी इन्हीं सारी चीजों की चर्चा आपको मिल जाती है। और यहां पर आपको देखिए हॉकी इंडिया पुरस्कार 2022 की अगर चर्चा करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में 17 मार्च 2023 को घोषित किया गया। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2022 में प्रमुख पुरस्कार क्या रहे, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया गुरुबख्श सिंह को। यहीं पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया। यहीं पर सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यहीं पर जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 पुरुष संवर्ग में पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तम सिंह को, ठीक है। यहीं पर हम देख सकते हैं असुंता लाकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 महिला संवर्ग में मुमताज खान को प्रदान किया गया। यहीं पर हम देख सकते हैं फॉरवर्ड खिलाड़ी के लिए धनराज पिल्ले पुरस्कार प्रदान किसको किया गया, वंदना कटारिया को। यहीं पर हम ये भी देख पाते हैं कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए बलजीत सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, कृष्णभी पाठक को। तो यहां पर ये सारे पुरस्कारों को आप देख पा रहे हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं AFH सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार
पुरस्कार 2023। तो यहां पर आयोजन मुंगयोंग दक्षिण कोरिया में 23 मार्च 2023 को किया गया। विजेता कौन रहा? हॉकी इंडिया इसकी विजेता रही। तो यहां पर देखिए और भी कई सारे चैंपियनशिप की बातें हैं, जैसे 14वीं एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया, ठीक है ना, जिसमें कि वीमेंस फोर में विजेता भारत रही महिला और उप विजेता मलेशिया रहा महिला संवर्ग में। तो यहां पर और कौन सा आयोजन है, मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा, अब ये एक महत्वपूर्ण विषय बना, मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में घोड़ों की सवारी करते हुए एक पोलो खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कब किया? 6 जनवरी 2023 को। यह प्रतिमा इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यह विश्व में किसी पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह महत्वपूर्ण बिंदु आपके परीक्षाओं के लिए बन जाता है। यहीं पर आप देख सकते हैं आगामी खेल आयोजन, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है और निश्चित रूप से आगामी खेल आयोजन से कहीं ना कहीं प्रश्न बनते ही रहे हैं। तो इस पर आप एक गंभीर दृष्टि रखिएगा परीक्षाओं के लिहाज से, जैसे प्रतियोगिता और स्थल। तो जरा सा इसके फर्स्ट हाफ में हम आते हैं आगामी खेल आयोजन से संबंधित। तो यहां पर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहां पर क्रिकेट, क्रिकेट के मामले में 9वां आईसीसी महिला 2020 विश्व कप 2024 कहां पर आयोजित होगा? बांग्लादेश में। यहीं पर 14वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहां पर होगा? हम लोगों ने अभी पहले भी देखा था कहां पर, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन होगा। यहीं पर हम देख सकते हैं 15वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2031 का आयोजन भारत एवं बांग्लादेश में संयुक्त रूप से होगा। यहीं पर हम देख पा रहे हैं 9वां पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का जो आयोजन होगा वो वेस्टइंडीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। यहीं पर 10वां पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होगा। यहीं पर हम देख सकते हैं 11वां पुरुष टी20 विश्व कप 2028 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। यहीं पर 12वां पुरुष टी20 विश्व कप 2030 का आयोजन इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड में संयुक्त रूप से कराया जाएगा। यहीं पर आप देख सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं फुटबॉल के खेल से संबंधित क्या क्या आगामी आयोजन हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका में संयुक्त रूप से कराया जाएगा। इसी पृष्ठ के या इसी चार्ट के सेकंड हाफ में आप आते हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण आप पाते हैं प्रतियोगिताओं का भविष्योन्मुखी आयोजन, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। यहीं पर फीफा बीच सॉकर विश्व कप 2024 का आयोजन यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। यहीं पर आप देख सकते हैं एएफसी एशिया कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। इसके विविध आयोजनों के अंतर्गत भी हम कुछ महत्वपूर्ण आयोजन पाते हैं जो आगामी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जैसे कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स और अमेरिका में संयुक्त रूप से होगा। यहीं पर 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से होगा। और 20
20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन आईची एवं नगोया जापान में कराया जाएगा। 21वें एशियाई खेल 2030 का आयोजन दोहा और कतर में कराया जाएगा। यही पर हम देख सकते हैं 22वें एशियाई खेल 2034 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में कराया जाएगा। यहीं पर 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2024 का आयोजन पाकिस्तान में होगा और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा। यहीं पर हम देख सकते हैं कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन पश्चिमी मिडलैंड्स और इंग्लैंड के बीच कराया जाएगा। तो यहां पर हमने कुछ चीजों को देखा। अब यहां पर हम देख सकते हैं इसी के नीचे एक और आपको चार्ट मिल जाता है जो प्रमुख मैराथन परिणाम 2023 से संदर्भित है। तो इस पुस्तक में आपको ये चीजें भी यहां पर मिल जाती हैं। तो इसी के साथ साथ यहां पर हम आकर के देख सकते हैं आप यहां पर कि प्रमुख मैराथन परिणाम 2023 क्या क्या रहे हैं, उन्हें आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि मैराथन रेस उसके पुरुष संवर्ग में कौन कौन विजेता रहे हैं उनकी चर्चा, और महिला संवर्ग में कौन कौन महिला विजेता रही हैं उनकी भी चर्चा आपको इस यहां पर चार्ट में देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, यहां तक की चीजें आपको बिल्कुल परोस दी गई हैं और पुस्तक के माध्यम से भी आप तक पहुंच गई होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत हृदय से आप सभी को शुभेच्छाएं हैं। आप उसमें सफलता के उच्चतम मानक को प्रारूपित करें। इन सब शुभेच्छाओं के साथ मैं शशधर दुबे अब आपसे विदा लेता हूं। आगामी किसी और संस्करण में हम और आप फिर से समवेत होंगे, फिर से किसी नई चर्चा और परिचर्चा को आयामित करेंगे, प्रारूपित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और आप हमें लिख करके, कमेंट करके ये भी बताइए कि आखिर आपको ये चर्चा परिचर्चा कैसी लगी। धन्यवाद।